वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सेशन में जहां पर हम लोग करेंगे आज एक नई दो नई बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस एक साथ हम लोग करने वाले हैं गाइस ब्लैक बुक के इडियम्स एंड फ्रेजेस और ब्लैक बुक के इडियम्स एंड फ्रेजेस के हम बात करें तो सी हम लोग ऑलरेडी फाइव कर चुके हैं फाइव से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं राइट तो चलिए एक बार जल्दी से शेयर में जरूर कहूंगी आप लोगों को कि शेयर कर दीजिए आप इस सेशन को सो so बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको देख सके ठीक है सेशन आपने शेयर कर दिया है क्या सेशन को जल्दी बताइए और दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि uh, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग कितने करने वाले हैं ये आपका क्वेश्चन रहेगा 500 हंड्रेड हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम इसको थ्री सेशन में डिवाइड करने वाले हैं तो आज हम लोग बाकी के थोड़े और करेंगे और फिर हम लोग एक और सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे ठीक है चलिए कैसे हैं आप लोगों से आज सुबह मेरी बात नहीं हुई आज सुबह पहली बार ऐसा हुआ है शायद जैसे कि हम लोग सुबह में क्लास नहीं हुई हम लोगों की तो आ, बहुत ओर सा लगता है अगर सुबह में क्लास नहीं हो तो हमारी बात नहीं हो तो एनीवे anyway, लेकिन आज आज शाम को ये सेशन सेशन था तो आज हम लोग मिल रहे हैं इस सेशन के साथ आई होप विल नॉट माइंड वॉइस कम है देखो मैं हर बार बताती हूँ आप लोगों को जब रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकलती है तो उसकी स्पीड होती है बिल्कुल धीरे ठीक है पर जैसे ही रेलवे स्टेशन से ट्रेन नि, निकल चुकी होती है और जंगल में घुस चुकी होती है तो वो स्पीड पकड़ लेती है फिर पीछे रह जाता है सब कुछ ऐसे ही कुछ मेरी वॉइस है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वॉइस जो होती है वो बहुत कम होती है पर थोड़ी देर के बाद अपने आप सब सही हो जाता है तो ऐसा ही होगा आज भी सही हो जाएगा सब कुछ ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को फाइव हंड्रेड वन से मेरा साबुन सोलू ने वॉइस थोड़े देर में ठीक हो जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट सुनाई नहीं आ रहा है आर यू श्योर इतनी कम तो नहीं हो सकती अरे हाँ कैसी बातें कर रहे हो वो जो सैटरडे को लास्ट अभी ट्यूसडे को सेशन नहीं आया था जिसमें हम लोगों ने वो करा था मैथ्स और इंग्लिश का वॉर महावॉर मंगलवार को उसमें हो गया था लेट मी चेक इट इतना कम कैसे हो सकता है

शुरू करते हैं क्लास को गो वैली अप पहला पहला हमारे सामने दिख रहा है गो वैली अप वै, वैली यानी स्टमक होता है टमी होता है ठीक है तो टमी जो है वो अप चली जाती है मतलब पेट में कुछ भी नहीं है पेट में कुछ भी नहीं है यानी यानी पेट पेट खाली खाली है और पेट खाली है, कि आप कैसे हो गए गो बैंक है ना दिवालिया हो जाते हैं उसे कहा जाता है तो गो बैंक यानी दिवालिया हो जाना यानी बिल्कुल ही पैसे ना रहना एकदम गरीब हो जाना उसे कहा जाता है एकदम गरीब हो जाना ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या है गो डाउन इन फ्लेम्स गो डाउन इन फ्लेम्स क्या है आग में एकदम नीचे चले जाओगे एकदम हिंदी में अच्छे से बता दीजिएगा ओके 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 हाँ चलिए देखिए लिखा हुआ देखो, अब जस्ट करो, आपका बहुत है और वो मोबाइल आप लोगों का नीचे गिर गया है और मोबाइल भी नहीं मिलेंगे राइट क्यों क्योंकि आग में एकदम जल चुका होगा तो कोई चीज अगर डाउन इन फ्लेम्स चली जाती है तो मतलब क्या हो जाता है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है तो फेल कंप्लीटली वो कहते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स ठीक है यार श्योर है क्या मेरे फोन में तो एकदम प्रॉपर आवाज आ रही है क्यों आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मैं एक बार चेक करवाती हूँ टीम से ठीक है अगले वाले में चलते हैं देखो मैं बोल देती हूँ अभी टीम वहां पे चेक कर लेगी है ना तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए बेटा नेक्स्ट है गो डच होता 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 वो completely लगा दिया बेटा थोड़ा सा कर कर लो ना है 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 काम रही हो गया होगा क्या जाते हैं में और रेस्टोरेंट में जाके सबको एक को पिज्जा खाना है एक को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है और एक को कुछ और ऑर्डर करना है तो सबका बैलेंस नहीं हो पा रहा था अगर कोई एक पेमेंट करेगा तो उसके सिर पे बहुत ज्यादा तो दे ट्राइड टू दे डिसाइडेड टू गो डच डच गो का मतलब ये होता है चार लोग जा रहे हैं आप, आप अपना पेमेंट दो आप अपना पेमेंट दो आप अपना पेमेंट दो आप अपना पेमेंट दो इसका मतलब किसी के सिर पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और सबका खर्चा जो है वो आप पॉकेट के हिसाब से खाइए ठीक है दूसरों के पॉकेट के हिसाब से मत खाइए ठीक है डच क्या होता है ये डच का सिस्टम है मतलब डच का डच जो कंट्री के ड्यूक्स जो होते हैं उनका ये सिस्टम है कि वो लोग ऐसे ही करते हैं तो गो की तरह अपना पैसा को शेयर कर लेना ठीक है उसे बोला जाता है डिवाइड द कॉस्ट गो डच ओके नेक्स्ट गो फॉर अ सॉन्ग टू बी सोल्ड चीपली बेटा जी ध्यान दीजिए गाने जो होते हैं ना गाने कहीं भी कहीं भी मिल जाते हैं आपको कोई सा भी गाना कोई भी सॉन्ग है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है बहुत बड़ी से बड़ी पार्टी में छोटे 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 से छोटे शॉप पे भी आपको वो बजता हुआ सुनेगा तो गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है कोई चीज इतनी आसान अवेलेबल हो जाती है कि हर जगह मिल जाती है टू बी सोल्ड चीपली ठीक है वाह वाह देखो मैं पता करवाती हूँ हुआ क्या है ये को किया है, तो The voice is very low here. अभी हम लोग चेक करवा रहे हैं वॉइस अभी पता चल जाएगा तब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए वॉइस आगे बढ़ते हैं ठीक है वॉइस चेक करवानी है नेक्स्ट देखो गो गेटर गो फॉर जगलर लिखा हुआ है गो फॉर जगलर मतलब किसी को हराने के लिए पूरा जुगाड़ लगा देना उसको उड़ा दो ठीक है गो फॉर द जुगाड़ किसी को हराने के लिए पूरा जुगाड़ लगा देना उसे कहा जाता है गो फॉर दुगलर ओके जब आपको साम दाम दंड भेद पूरा अब अजमाना है क्यों क्यों अजमाना है टू मेक सीरियस एफर्ट टू डिफीट अरे हराना है सामने वाले को ओके okay? इसलिए ठीक है चलो आ रही है तो वेरी गुड कोई दिक्कत नहीं है अगला वाला देखो क्या लिखा हुआ है गो गेटर गो गेटर क्या होता है भाई गो गेटर नहीं पता हमें क्या होता है वो जो अपने पूरी प्लान है पूरा एनर्जी लगाओ अगर कोई काम है बिना एनर्जी के काम में मजा नहीं आता है तो गो गेटर कौन होता है जो अपना पूरा ताकत पूरा एनर्जी लगाने वाला है उसको बोला जाता है बेटा जी एक नंबर है एट एट है ना ये हमारा नंबर है आप इस पे बात कर लीजिए आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी ऐप है हमारा इंडिया स्टडीज उस पर भी जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट गो हे वायर लिखा हुआ है गो हे वायर मतलब वी केम आउट ऑफ कंट्रोल हे वायर चला गया हे यानी क्या होता है हे यानी हैप्पीनेस होती है मेक हे वाइल द सनशाइन तो गो हे यानी खुश हो जाना और गो हे वायर का मतलब क्या होता है कोई चीज बिल्कुल हाथ से एकदम निकल गई है यस yes, पूरी एफर्ट लगा के काम करना होता है गो गेटर करने वाला और गो हे वायर का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल अगर आपसे चीज आ जाती है उसे बोला जाता है ठीक है चलिए सेवन यहाँ पे कंप्लीट हो गया एट पे चलने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा एट ये रहा आपके सामने मैं यहाँ पे बता दू गाइज हम लोग नाइन हंड्रेड तक करने वाले हैं आज पूरे ठीक है नेक्स्ट गो ओवर गो ओवर क्या होता है लेट्स गो ओवर इट है ना लेट्स रिव्यू इट लेट्स रीचेक इट लेट्स एग्जामिन इट किसी चीज का एनालाइज करना है ना किसी चीज का एनालाइज करना किसी चीज का अवलोकन करना किसी चीज को पूरा चेक करना किसी चीज को पूरी तरीके से एग्जामिन करना परीक्षण करना फिर से देखना ठीक है उसे कहा जाता है गो ओवर समथिंग नेक्स्ट हमारा है गो थ्रू फायर एंड वॉटर फायर एंड वॉटर से होके गुजरना चाहे आग हो चाहे पानी हो उससे होके गुजरना है इसका मतलब यू आर अंडर गोइंग किसी भी रिस्क को लेने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहना किसी भी कैसा भी डिफिकल्टी हो कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसके सामने से होके गुजरना उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है गो थ्रू फायर एंड वाटर अब ध्यान दीजिएगा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ग और ब्लैक बुक इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग एक बार प्रीवियस ईयर इडियम एंड फ्रेजेस कर चुके हैं यहाँ पर बस आप लोगों को इतना पता चलेगा कि एस में आए हुए पुराने से पुराना भी यहाँ पे मिल जाएगा एस में आए हुए और आ, सारे एग्जाम को कंपाइलेशन है ब्लैक बुक में तो कि अगर आपने ये कर रखा है प्रीवियस ईयर तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा कुछ नए जरूर मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा गो टू रैक एंड रूइन रैक एंड रूइन में चले जाना रूइन आ गया है रूइन यानी क्या होता है कंप्लीट बर्बादी किसी चीज की

नहीं ठीक है ठीक है सब ठीक हो गया गो टू द डॉग्स क्या होता है टू बी रुइन बर्बाद हो जाना कंप्लीटली बर्बाद हो जाना को गो टू द डॉग्स कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है गॉड्स एकर गॉड एक्स गॉड सेकर क्या होता है ये हम लोग बहुत बारी और भी कर चुके गॉड्स एकर का मतलब क्या होता है गॉड्स एकर का मतलब बता रहे है? हैं ये तो ईश्वर का एरिया है ये ईश्वर की जगह कौन सी मतलब ईश्वर की जगह कौन सी होती है जहां पर आप का जीवन जब खत्म हो जाता है हम जहाँ जब वहां जाने वाले हैं जिस जगह पर उसे गॉड्स एकर गॉड्स एरिया कहा जाता है असिमेट्री बिसाइड अ चर्च चर्च के पास बनी हुई सिमेट्री को कहा जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा है गॉड्स एप गॉड्स एप क्या होता है अरे एप यानी क्या होता है बेटा जी मंकी है ना मंकी को एप कहते हैं गॉड्स एप यानी बॉर्न फूल समझ के

ऐसे ही एम ही अवलोकन करना सारे तरफ का सारे एरिया को उसे बोला जाता है जन्म जात मूर्ख अरे वाह ए यानी लंगूर होता है हाँ मं, मंकी को भी बोला जाता है ना लंगूर इज ऑल्सो काइंड ऑफ मंकी ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या गोइंग ओवर वन हेड मेरे हेड के ऊपर से जा रही है अगर कोई चीज तो भाई मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मुझे ये समझ में आए तो बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड ठीक है यानी कि

बने रहिए मेरे साथ दस मिनट बाद बताती हूँ कौन बता देगा आप लोगों को पिछले वीडियो में टू नाइन थी कराए थे अरे नहीं नहीं पिछले वीडियो में मैंने फाइव हंड्रेड करवाए थे 500 से स्टार्ट किया अभी नेक्स्ट गॉट द ग्रीन 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 लाइट लाइट मम्मी पापा ने सिग्नल दे दे दिया है। green light, green दे दिया है तो मतलब क्या होता है परमिशन मिल गई अब आप लोगों को आप कोई प्रॉब्लम की संभावना नहीं है ग्रीस द पाम ग्रीस द पाम क्या होता है अंडर टेबल पैसे दे देना अंडर टेबल पैसे देना भी वही होता है क्या होता है बताओ ग्रीस का पाम क्या होता है अंडर टेबल पैसा दे देना मतलब ब्राइब देना छुपा के जो दिया जाता है पैसा उसे बोला जाता है ठीक है चलिए ग्रीस का पाम यहाँ पे खत्म होता है नेक्स्ट पे चलते हैं ट्वेंटी पे ट्वेंटी क्या है ग्रेट माइंड थिंक अलाइक ग्रेट माइंड जो है एक जैसा सोचते हैं इसका मतलब क्या होता है नहीं नहीं भगवान और सिर्फ भगवान नहीं जानते दो जन जानते मैंने बोला एक तो भगवान और दूसरा बताने के लिए प्रतीक्षा करें सैड वेन टू पीपल है सेम ओपिनियन मेक द सेम चोस मतलब की दो अगर लोग एक ही बात पे जा रहे हैं एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है कि भाई टू पीपल यानी कि ग्रेट ग्रेट पीपल पीपल थिंक अच्छे लोग अच्छी तरीके की बातें सोचते हैं या एक जैसे लोग एक जैसे ही बातें सोचते हैं या इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट तरीके से सोचते हैं किसी भी तरीके से बोलो उसको कहा जाता है वॉइस बहुत लो है सैड टू पीपल सेम ओपिनियन मेक द सेम चॉइस ठीक है नेक्स्ट क्या है ग्रीन थम ग्रीन थम होने का मतलब क्या है गार्डनिंग में आपका हाथ अच्छा होना एक्सपर्टीज होना गार्डनिंग में काफी आपका शौक होना ठीक है नेक्स्ट क्या है ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर ईयर टू ईयर मतलब ग्रीन करना क्या होता है मुस्कुराना और कान से कान तक मतलब तो इतना खिलखिला के हंस रहे कि कान तक पहुंच रहा है कान तक पहुंच रहा है ठीक है थीके? यहाँ से इतना खिलखिला के हंस रहे हैं कि आपका मुंह जो है वो यहाँ थे जो लाइन जो है आपके यहाँ तक खिल रही है इसको बोलते हैं ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर बहुत ज्यादा मुस्कुराना ठीक है बहुत ज्यादा मुस्कुराना उसको बोलते हैं नेक्स्ट क्या है हैड बेटर ये कोई idiom phrases नहीं है हैड बेटर हम हैड बेटर हम ग्रामर में पढ़ते हैं कि हैड बेटर को भी मॉडल की ही तरह ट्रीट किया जाता है और इसका मीनिंग शुड होता है और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जबरदस्ती इसमें डाल दिया है नहीं है ठीक है क्या प्रॉब्लम है भाई वॉइस में एक बार चेक ही करवा लेते हैं रुक जाओ भाई दो मिनट क्या प्रॉब्लम है वॉइस में पूरी चेक करो। वहां से हाँ जो ज्यादा हंसते हंसते खिलखिलाते एकदम क्या होता है यहां दर्द हो जाता है और ये हंसी जो है हमारी जॉ लाइन यहां तक पहुंच जाती है उसी को बोलते हैं ग्रीन फ्रॉम हियर ईयर टू ईयर ठीक है चलिए आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो है देखो टीम बोल रही है अब सारी बात सारा आवाज सही हो चुका है तो अगर हो चुका है एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो मुझे यहाँ पे कि भाई सब ओके है प्लीज ठीक है अब देखो एकदम ट्रेन जो है स्टेशन से पूरी निकल चुकी है बिल्कुल जंगल भी बहुत सारे क्रॉस कर चुकी है तो बहुत तेज आवाज आने की पूरी संभावना है ध्यान रखेगा इसलिए कान न फट जाए एकदम ध्यान से ईयरफोन अगर एकदम लगे हुए तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए तेज हो जाएगी आवाज आगे देखो टू हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन टू हैव नो लेग कोई लेग नहीं है खड़े होने के लिए कहां खड़े होगे समझ रहे हो तो टू हैव नो सपोर्ट या तो इसको ये बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं टू हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट है ना तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो कोई लेग नहीं है नो लेग टू स्टैंड ऑन कोई बेस नहीं है इस बात को मानने के लिए इज नो बेस टू एक्सेप्ट कोई बेस नहीं है इसको एक्सेप्ट करने का कोई होप नहीं है इस चीज को पाने का समझ रहे हो उसे बोला जाता है उसे बोला जाता है टू हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन टू हैव नो होप ऑफ गेटिंग इट ठीक है नेक्स्ट क्या है हेल एंड हार्टी लिखा हुआ है हेल एंड एंड हार्टी क्या होता है है हैप्पीनेस ठीक को कहा जाता है या हेल्थ को कहा जाता है ठीक है हाँ कोई सपोर्ट नहीं है कोई होप नहीं है कोई बेस नहीं है मानने का उसे बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हैंड एंड ग्लब हाथ जब ग्लव में है तो ऑब्वियसली बहुत पास पास होंगे और दो लोगों के हाथ एक ही ग्लव में तो सोचो कितने पास होंगे और क्या क्या ख्याली प्लाव ना बनाए जस्ट स्टॉप इट हियर क्योंकि मैं क्या बोल रही हूं अगर दोनों हाथ एक ही ग्लव में है इसका मतलब उन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है क्लोज एसोसिएशन है आपसी जुड़ाव है कुछ और ना सोचे प्लीज ठीक है

समझ गए देखो भैया ऐसा है ऐसा है चाहे कितना ही पढ़ लो अगर इतना सा भी हिंट मिले ना तो दिमाग उधर ही जाएगा है कि नहीं कितना ही पढ़ लो साधना ने बड़ी मासूमियत से जो आपने बात कही ना वो सब समझ रहे हैं इतना मासूम बनने के किसी को कोई जरूरत नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे अब अपने दिमाग को वापस यहां ले आए उधर जहां भी पहुंचे थे सोना बाबू की तरफ वापस आ जाओ यहां पे ठीक है चलो हैंडल विथ किड्स ग्लव हैंडल विध किड्स ग्लव क्या होता है बच्चों के ग्लव को किस तरीके से संभाल के रखा जाता है यार इतना सा ग्लव होता है आपने कोई और कपड़ा समेटा उसमें रख के लपटा गया और फिर ढूंढ रहे हैं घर वाले समझ रहे हैं उसको बोला जाता है हैंडल किड्स ग्लव ग्लव्स का मतलब बच्चों के ग्लव्स को आ, की तरह संभाल के रखना प्रॉब्लम को या समस्या को या किसी चीज को समझ गए टू ट्रीट समथिंग विद एक्सट्रीम केयर कई लोग होते हैं डीडी डीडी सुना होगा आपने डीडी किस किस को डीडी पता है ये बताओ हैंडल विथ किड्स क्लब में डीडी किस किस को पता है अच्छा बनो तो भी बुरा अरे दुनिया अच्छे लोगों को जीने नहीं देती और खराब लोगों को बर्दाश्त नहीं करती तो चैन तो किसी को नहीं आप सबको तो खुशी नहीं कर सकते ना समझ गए सौ बिल्ली खाके सौ बिल्ली चूहा खाके अरे यार सही तो बोलो सौ चूहे खाके बिल्ली हज को चली ये बोला जाता है समझ रहे हो पूरा बोलो सही से हाँ तो देखो बेटा जी डीडी नहीं पता है क्या किसी को अरे डीडी पता है क्या होता है डीडी होता है ये मैं लिख के बताती हूँ डीडी मतलब डेलिकेट मेरे जैसे कुछ दोस्त होते हैं हमारे है ना कैसे होते हैं इतना सा ड्रिजलिंग हो रही है यहां बारिश मारे छोड़े छोटी सी थोड़ी सी छीटे छीटे पड़ रहे हैं उसमें भी जाएगा तो बंदा उसको जुकाम हो जाना है तो ही इज कॉल्ड डेलिकेट डार्लिंग क्यों क्योंकि उसको कैसे रखना पड़ता है विद एक्सट्रीम केयर अरे तुम बाहर मत जाओ समझ रहे हो डीडी का मतलब डेलीकेट डार्लिंग होता है अपना दिमाग मत लगाओ फिर से वहीं पहुंच गए ना दर्द दिल बस यही आता है तुम लोगों को डेलीकेट डार्लिंग तो डेलीकेट डार्लिंग इज ऑलवेज टेकन केयर विद एक्सट्रीम केयर समझ रहे हो तो हैंडल विद किड ग्लव में ध्यान रखो डीडी डेलीकेट डार्लिंग को जिस तरीके से रखा जाता है ठीक चलिए आगे चलते हैं हेड लिखा हुआ है फूल कुमारी अरे वाह क्या वर्ड है डेलिकेट डालिंग को हिंदी में क्या कहते हैं फूल कुमारी अरे हिंदी में लिख देते छुईमुई होती है ना छुई मुई का पौधा देखा है आपने डेलिकेट डालिंग को छुईमुई कहा जाता है छुईमुई माने क्या होता है छुओ और मुरझा जाती छुईमुई छूते ही खत्म है ना तो डेलीकेट डार्लिंग भी यही होता है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं फूल कुमारी वेरी गुड उसमें वो कर लेना है अच्छा आप उसको फूल कुमारी बोलते हैं याद आ गया जब आपने बोला तभी ठीक है अरे डार्लिंग कौन होता है डार्लिंग वो पर्सन होता है जो आपको थोड़ा सा अच्छा सा लगे मतलब आपका फ्रेंड भी हो सकता है आपका भाई भी हो सकता है आपके पापा मम्मी भी हो सकते हैं और आपका डैश जो भी आप बोलो वो भी हो सकता है समझ के तो जरूरी नहीं है चलिए आगे चलते हैं हैंग वंस हेड मतलब क्या हो रहा है अरे head उसका क्या हो गया हो हो गया hang हो गया अब आजकल वो तो है नहीं कि छोटी सी बात के लिए आपने उसको फांसी पे लटका दिया ये तो होगा नहीं तो हैंग वंस हेड का मतलब क्या होता है हेड का मतलब होता है उसको एम्बेरस कर देना उसको शर्मिंदगी मतलब उसके लिए इंसल्ट कर दिया उसको ह्यूमिलिएट कर दिया तो बंदा कैसा हो गया अशेम्ड हो गया समझ के समझ गए उसे बोला जाता है हैंग वंस हेड जिसको अच्छा लगे भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे सेशन को पहली बार देख रहे हैं अगर आप मेरे सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ठीक है आगे चले बहुत एक्सपीरियंस स्टूडेंट से आ रहा है घाट घाट का पानी पिया है एक्सपीरियंस क्यों नहीं होगा जिन लोगों ने किया है उन लोग को क्या करें थम्स अप जरूर करें डियर बोलते नहीं मैं तो डार्लिंग बोलती हूँ ठीक है और आप भी डार्लिंग बोला करो अलग बनो ना आउट ऑफ द क्राउड बनो एकदम वो नहीं बनो भीड़ ठीक है चलो आगे हमारे सामने क्या है भाई आगे बूथ्स हैंग अप योर बूथ्स बूट्स को लटका देना भैया अब तो मुझे कहीं जाना नहीं है मैंने जूते लटका देने हैं क्योंकि अभी जूते काम नहीं आएंगे क्यों रोज मैं ऑफिस जाती थी अब मेरे को ऑफिस से रिटायरमेंट हो गया है जब हो जाएगा तब मैं ऐसा बोलूंगी राइट तो टू टेक रिटायरमेंट काम से रिटायरमेंट ले, ले लेना उसे कहा जाता है हैंग अप योर बूट्स ठीक है ये देखो ये जितने भी आ रहे ना ये सब हमने उस वाले क्लास में नहीं किए मैंने कहा था कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता तो नया है इसको ठीक है नेक्स्ट है हैंगिंग बाय अ थ्रेड हैंगिंग बाय थ्रेड अब ध्यान से देखना समझना इसको हम लोग पहले कर चुके हैं थ्रेड पे लटके थ्रेड सीधा है धागा है सीधा और आप इस पे लटके हैं किसी ने सिजर्स भी लगा दी तो धागा कट जाना है ठीक है धागा कट जाना है तो धागा कट जाएगा तो आप नीचे यानी आप कैसे हैं एकदम ऑन द थिन आइस है टू बी ऑन द थिन आइस थिन आइस में होना है ना थिन आइस पे होना थिन आइस मतलब क्या होता तो है एकदम पतली पतली लेयर है बर्फ की और आप उसपे मतलब खड़े हो और कभी भी वो गिर सकती है समझ रहे हो तो यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन डेंजरस सिचुएशन रिस्की सिचुएशन पैरालस सिचुएशन तो वही है हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब क्या है टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन ठीक है और बहुत ज्यादा अभी चैट्स लिए जा रहे हैं मैं नहीं लेने वाली हूं अब वरना बहुत सारे लोगों को बाद में बुरा लगेगा गांव में रहती हूं किसी को डार्लिंग बोल दिया तो वाह ठीक है भाई जैसा जैसा आपको सही लगे वैसा करिए जैसा देखो इन रोम बी रोम जहां हो जैसे बन जाओ ठीक है इसलिए कहा जाता है हाँ तो यहां पे कोई बोल रहा था नाक के सीध में को क्या कहते हैं लीड्स बाय द नोज मतलब किसी को डोमिनेट करना कल परसों बता तो रही थी मैं आपको ठीक है यस यस करने होंगे नेक्स्ट क्या है हार्ड एंड फास्ट हार्ड एंड फास्ट क्या होता है इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट अगर कोई चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं है तो वो इतना जरूरी नहीं है लेकिन अगर कोई चीज हार्ड एंड फास्ट है तो दैट कैन नॉट बी ऑल्टर जिसको बदला नहीं जा सकता जिसको चेंज नहीं किया जा सकता जो कंपल्सरी है जो अनअवॉडेबल है ठीक है जिसको आप छोड़ नहीं सकते कंपल्सरी है अन अवॉइडेबल है जिसको आप आ, क्या नहीं कर सकते टाल नहीं सकते हार्ड एंड फास्ट है नहीं ये जरूरी है भाई सबसे जरूरी है इसको आप चेंज नहीं कर सकते ठीक है Next, hard of hearing.

भाई वहां पे बंदा कोई खड़ा है उसकी आवाज यहाँ पे नहीं आ रही तो वो बंदा कैसा हो गया एन ऑडिबल हो गया इन ऑडेबल इन ऑडेबल जिसको सुना ना जा सके लेकिन मुझे प्रॉब्लम है ना मुझे सुनाई नहीं देता तो आई एम अ डेफ ठीक है आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग समझ के यस yes, इसे बोल रहे अब नेक्स्ट हैज अ बी इन हर बोनेट बोनेट में बी होना गाड़ी के बोनेट में अगर बी है या फिर कोई भी इंसेक्ट है तो बोनेट प्रॉब्लम करेगा समझ रहे हो? बार 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 प्रॉब्लम करेगा मोनेट तो ऐसा ही पर्सन होता है कैसा होता है इरिटेटिंग पर्सन जिसको मतलब हर बात में प्रॉब्लम होती है उसको हर थोड़ी देर में दिमाग में एक लाइट जलती है अरे मैंने इसको परेशान नहीं किया बहुत देर हो गए या मैंने किसी को परेशान नहीं किया बहुत देर हो गए उसी को बोलते हैं ये है ना Uh, has a bee in her bonnet uh, is an obsessed person is an irritating fellow इरिटेटिंग fellow अच्छा मेरी आवाज आ रही है क्या किसी को भी अगर एकदम वॉल्यूम आपका तेज पे है तो क्या आपको मुझे मुझे सुन पा रहे हो क्या प्लीज बताना बहुत तेज पे नहीं नहीं ग्रामर की कौन से आज सैटरडे है सैटरडे को अलग सा अलग सा सेशन होता है ना तो सैटरडे को शेड्यूल अलग रहता है आज मैम की क्लास सुबह थी इसलिए मेरी क्लास शाम में हुई है बस इतना जिसको सुना ना जा सके वो इनऑडेबल होता है जो खुद सुन ना सके वो होता है ना डेफ तो डेफ आएगा यहाँ पर आगे हॉल ओवर द कोल्स आ रहे सुन पा रहे हो आप मुझे मेरी आवाज आ रही है ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ठीक है बहुत तेज पर नहीं आ रही है अच्छा अच्छा धीरे में सुन लो फिर एकदम चकाचक बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है ये देखिए क्वालिटी बता रहे साउंड की चलो आई एम क्लियरली ऑडिबल मैं सिर्फ चेक कर रही थी आप हार्ड ऑफ हियरिंग तो नहीं है आपने आंसर दे दिया है वेरी गुड थैंक यू सो मच ठीक है चलिए हॉल ओवर द कोल्स हॉल ओवर कोल्स लिखा हुआ अगले वाले पे आ जाओ हॉल ओवर द कोल्स क्या होता है टू स्कोल्ड किसी को स्कोल्ड करना किसी को किसी को को डांटना फटकारना जिस इसके में आते हैं प्लीज लिखे यहां पर ठीक है और जो लोग बुरा मान गए हैं कि मैंने हार्ड ऑफ फेयरिंग कह दिया प्लीज बुरा ना माने मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी मेरा कर्तव्य है ठीक है चलो हाँ to scold to rebuke to reprimand ठीक है scold करना reprimand करना मैं इसीलिए अभी चैट ले रही हूँ, अभी 10 मिनट बाद चैट आपकी नहीं दिखेगी लैपटॉप गिरा दूंगी वरना मेरे को आदत है आप लोगों से बात करने में फिर मेरे को अच्छा लगता है तो मैं करने लग जाती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे 36 यहाँ पे कंप्लीट हो गए 37 आपके सामने आ रहा है 37 क्या है हैव अ बोन टू पिक विद समबडी हैव अ bone टू पिक with somebody, ठीक है का मतलब क्या होता है देखो क्या लिखा हुआ डिसएग्री और बी अनोइड विद समवन या तो आप उससे नाराज हो या फिर उसकी बात नहीं से सहमत नहीं हो ठीक है या तो आप उससे नाराज हैं या फिर आप उससे डिसएग्री करते हैं असहमत हैं आपको बंदा अच्छा ही नहीं लगता है तो चाहे वो बंदा कुछ भी कर ले आप उसके पास हमेशा एक बोन टू पिक रहेगा बोन टू पिक समबडी होता है इसका मतलब उसे या तो वो आप आ, या तो अननोइड होना या डिसएग्री होना ठीक है या तो अननोइड होना या फिर डिसएग्री होना समझ गए तो डिसएग्री या अननोइड बोन टू पिक हैव अ बोन टू पिक विद समबडी हैव अ बोन टू पिक विद समबडी ठीक है तो, या somebody, somebody, तो यानी अननोय होना और डिसी होना दोनों हो सकता है Next के लिखा हुआ on पे चिप लगे हुए हैं इसके तो मतलब क्या है भाई फोन पे भी चिप लगता है, तो अंदर जाके लगता है ठीक है लेकिन अगर चिप लगा हुआ है किसी के शोल्डर पे तो इसके अंदर इसके अंदर इसके, अंदर, इसके मन में क्या है वो चिप बता रही है समझ रहे हो चिप लगी हुई है तो मतलब अंदर का पता चल रहा है समझ रहे हो इसका मतलब क्या है एंटरटेनिंग ग्रज ओवर इवेंट नहीं मतलब इसको समझो ढंग से चिप ऑन on पे चिप लगी हुई मतलब इसको अभी तक याद है कि मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया था और ये उस बात को लेके बैठा है और जब भी मौका मिलेगा तब ये जरूर 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 से क्या करेगा क्या करेगा बदला लेगा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ एंटरटेनिंग ग्रज क्या होता है मन में कोई बात ढो के चलना है ना ग्रज क्या होता है किसी ने मेरे साथ गलत किया मैं वो बात लेके दिमाग में चल रही हूं और जब मुझे मौका मिलेगा मैं उसे बदल दूंगी मतलब बदला लूंगी उसे कहते हैं एंटरटेनिंग एंटरटेन करना वैसे तो किसी को खुश करना किसी को यू you नो know, अपना समय देना एंटरटेन करना होता है और अगर आप ग्रज पाल रहे हो तो तोता पाल रहे हो अपने ऊपर तोता पाल रहे हो मतलब पुरानी बात को अपने पास में रख रहे हो समझ के तो एंटरटेनिंग अ ग्रज ओवर अ पास्ट अस्ट जो पहले हो गया उस बात को अपने दिमाग में हर समय रखते रहना और उसका बदला लेने के भी सोचते रहना एंटरटेनिंग ओवर समथिंग ठीक है चिप ऑन वन शोल्डर राइट रिवेंजफुल होना ये भी कह सकते हो रिवेंजफुल होना ये भी कह सकते हो या तो या फिर या फिर टू बी स्कॉनफुल स्कॉनफुल होता है ना मलिशियस स्कॉनफुल ऐसे लोग यही होते हैं मलिशियस है स्कॉनफुल है यानी कि वही दूसरों का दूसरों के बुरा करने वाले ठीक है उसे बोला जाता है नेक्स्ट हैव अ फिंगर इन एवरी पाए एवरी पाए पाए क्या होता है कुकीज को कहा जाता है बिस्किट्स को कहा जाता है पाई पाए ठीक है तो टू बी मेडल सम हर बात में उसको जानकारी चाहिए हर चीज में उसको नॉलेज चाहिए हर चीज उसके उसको पता होनी चाहिए तो हर बात में टांग अड़ाना ठीक है उसे बोला जाता है फिंगर इन एवरी पाए हर बात में जाके टांग अड़ाना मेडल सम होना मेडल सम होना मतलब क्या होता है मेडल सम होना मतलब होता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ये

मौत काफी करीब है इनके तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके कब्र में पैर लटक रहे मतलब कोई बूढ़ा जो इंसान होता है उसको कोई बहुत ज्यादा लोग ना इरिटेट अगर उनसे हो जाते हैं उनकी किसी भी एक्टिविटी से हैबिट से तो लोग कहते हैं कब्र में तो पैर लटक रहे और ये चाहिए वो चाहिए उनके ऑर्डर्स को इस तरीके से लिया जाता है अरे कबाब में हड्डी अलग होता है भाई कबाब में हड्डी वो नहीं होता है जो आप यहाँ पे कह रहे हो वो तो कुछ और होता है जो आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से मैं क्या कह रही हूँ जि जैसे कि चार एक्टिविटी एक साथ हो रही है तो भाई एक बंदा तो ऐसा होगा जिसको हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए वरना उसके पेट में खाना हजम नहीं होगा उसे कहा जाता है ठीक है चलिए कब्र में पैर लटकना यानी काफी डेथ के काफी करीब होना काफी बूढ़े होना ये बोला जाता है इसको ठीक है चलो 540 यहां पे खत्म हो गए 541 आपके सामने आ चुका है यहां पे सारी इंफॉर्मेशन ऊपर मेंशन कर दी गई है इंक्वायरी के लिए आप ओ oh, ऊपर का तो दिखाई नहीं दे रहा है ये कैसे ये ऊपर का यहां पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है देखना एक बार चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हैव ग्रीन ग्रीन फिंगर्स फिंगर्स होना मतलब क्या होता है टू बी गुड एट गार्डनिंग ठीक है ग्रीन फिंगर्स ग्रीन होना ग्रीन फिंगर होना मतलब क्या होता है गुड एट गार्डनिंग गार्डनिंग में ठीक होना एक होता है ब्राउन थम अभी कहीं आया अच्छा बी तो चला गया इसमें शायद आया नहीं होगा ब्राउन थम क्या होता है ब्राउन थम ग्रीन से लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा ग्रीन थम है तो आप गार्डनिंग में एक्सपर्ट है ब्राउन थम है तो आपको गार्डनिंग में कुछ नहीं आता है ठीक है मिट्टी के मिट्टी का समझ भी नहीं आपको, है आपको ब्राउन थम्ब है ठीक है उसे कहा जाता है नेक्स्ट क्या आई हैव अदर फिश टू फ्राई मैं तुम्हारे टॉपिक में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं क्यों क्योंकि आई हैव अदर फिश टू फ्राई एज वेल मेरे पास कोई दूसरी फिश भी है फ्राई करने के लिए मतलब मेरे पास और काम भी है भाई सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड कुछ और भी करना अभी मुझे बाकी है उसे बोला जाता है, हैव अदर फिश टू फ्राई ठीक है

तो ंगेजमेंट एट अ टाइम एक ही समय में टू बी मैनी ऑन हर प्लेट किसी के प्लेट में बहुत ज्यादा होना यानी उसके पास बहुत सारा काम है उसी के लिए होता है फायर फुल हाँ ये भी होता है फ्यूल इन द फायर नहीं फ्यूल इन द फायर होता है आग में घी डालना नमक जले पे नमक छिड़कना अग्रवेट सिचुएशन है ना वर्स को और खराब कर देना उसी को बोलते हैं ठीक है have the ball at योर फीट बॉल इज इन योर कोर्ट आया था पहले अगर आपके कोर्ट में बॉल है तो नाउ इट इज यू हु हैज टू डिसाइड एवरीथिंग ठीक है तो टू बी इन द बेस्ट दोजीशन टू डू समथिंग कुछ करने की पूरे position में होना अगले वाले में चलेंगे अब हम लोग 45 फाइव यहाँ पे खत्म हो गए 46 में 46 में क्या लिखा हुआ है लास्ट लाफ आखिरी बार हंस लेना क्या लिखा हुआ है इट वॉज द लास्ट लाफ लास्ट लाफ का मतलब क्या होता है टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है हैव द आ फाइनली आई हैव द लास्ट लाफ मतलब आखिरी बार मैं ही हंसी हूँ इसका मतलब ये है कि टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट जब तक बहस चल रही थी उसके आखिर में मैं ही जीत गई हूँ इसलिए मैं ही हंस रही हूँ टू बी द लास्ट लाफ का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट में लड़ाई में झगड़े में लास्ट में आखिरकार जीत ही जाना उसे बोला जाता है लास्ट लाफ ठीक है नेक्स्ट है हैड इन द क्लाउड्स हैड इन द क्लाउड्स क्या होता है भाई टू बिल्ड आयर एयर टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर बोला जाता है Head in the clouds, इन द ठीक टू डे ड्रीम ठीक heels ओवर heels हील्स होना ऐसा कब होता है पागल हो जाते हैं जब प्यार हो जाता है ठीक है वही का एग्जाम्पल हेड ओवर हील्स है मतलब क्या है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं क्योंकि ही इज मैडली इन विल रोल हेड्स क्या करेंगे रोल करेंगे कब और फोर्स टू रिजाइन हेड्स हेड्स विल रोल रोल गए इसको हो हैं मतलब कि दिमाग सबका चल चुका है तीर कमान पे से निकल चुका है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है भाई सब ने अपना अपना दिमाग लगा लिया सारे हेड रोल हो चुके हैं सब अपने अपने दिमाग के ओपिनियन निकाल चुके हैं एंड नाउ यू आर सपोज टू डिसमिस नाउ यू आर सपोज टू रिजाइन आपको फोर्स किया जा रहा है रिजाइन करने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है जॉब से हटने के लिए समझ रहे है? सारे हेड्स जो हैं वो रोल हो चुके हैं ठीक है ठीके? प्यार भी अजीब चीज है भाई पता नहीं हमें तो जो बोल रहा है वो ज़्यादा जानता होगा हमें तो बस ये पता है विल रोल का मतलब क्या होता है हार्ट टू हार्ट टॉक दिल से दिल तक मतलब क्या होता है वो बातें जो आपके दिल से निकले और सीधी दूसरे तक पहुंच जाए उसको बोला जाता है दिल से दिल तक की बातें ठीक है फ्रैंक टॉक जिसको बोला जाता है हार्ट टू हार्ट टॉक ठीक है नेक्स्ट हमारा है हेल्ड अप हेल्ड अप अगर हमें कर दिया जाता है तो किसी चीज को डिले कर दिया जाता है रोक दिया जाता है अभी उसको क्या कर दिया जाता है डिले कर दिया गया है या उसे पुट ऑफ कर दिया गया है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है उसे कैंसिल कर दिया गया है अभी नहीं चल रहा है ठीक है उसे बोला जा रहा है हेल्ड अप कर देना नेक्स्ट हां प्रोकेस्टिनेट यही हो सकता है नेक्स्ट हेल्टर स्केल्टर हेल्टर स्कैल्टर क्या होता है भाई हेल्टर स्कैल्टर है यानी कि क्या होता है लाइफ कैसा होता है रोलर कॉस्टर कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे कभी बैलेंस कभी इम्बैलेंस कभी प्रॉब्लम कभी सोल्यूशन होता है ना कभी दुख कभी सुख कभी ये कभी वो तो दिस इज कॉल्ड हेल्टर सब कुछ मिसमैनेज है कभी ए आ रहा है कभी जेड आ रहा है कभी ई e आ रहा है कभी एफ आ रहा है कुछ भी आ रहा है ऊपर नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा दिस इज कॉल्ड हेल्टर इन डिसऑर्डरली हेस्ट डिसऑर्डरली हेस्ट पहले तो देखो डिसऑर्डरली डिसऑर्डरली Disorder, का मतलब क्या हो गया समथिंग विच इज ग्रेटली मिसमैनेज जो बिल्कुल कुल भी मैनेज नहीं है और हेस्ट मतलब क्या होता है जल्दबाजी क्या होता है जल्दबाजी होता है हेस्ट मतलब तो डिसऑर्डरली एकदम तो जल्दबाजी में की गई हेस्टी वाली चीज को कहा जाता है ठीक है डिसऑर्डरली मैनर में किया गया या मतलब मिसमैनेज तरीके से कोई काम जल्दबाजी में किया गया क्योंकि जल्दबाजी में करोगे तो मिसमैनेज होगा ही है ना उसी को बोला जाता है डिसऑर्डर में करा जाना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में है लास्ट लाफ पे हंस अरे लास्ट लास्ट मतलब लास्ट में आके कम से कम लास्ट में ही सही विक्ट्री तो मिल गई ठीक है कभी ब्रेकअप कभी कैचअप बिल्कुल सही बात है जिसकी देखो जिसकी जैसी सोच नहीं क्या अब मुझे जो आया वो मैंने बोला अब इन्हें कहाँ आया ब्रेकअप पे तो हम लोग आते ही नहीं है ठीक है आइए इसी के साथ अब बढ़ते हैं 52 टू यहाँ पे खत्म हो गया 53 पे 53 क्या है क्या क्या होता है क्या होता है? है है? किसको नहीं आता है? Hercules जो किंग थे, उन्हें क्यों बोला जाता था he was really powerful. तो अगर कोई काम Herculean task है, तो भाई ये तो हम सबके बस का ही नहीं हार्क्यूल ही आके करेगा क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट तो जो डिफिकल्ट होगा जो हर्क्यूल होगा वो करेगा अदरवाइज नहीं होगा समझ के नेक्स्ट क्या है हाई एंड ड्राई इट इज हाई एंड ड्राई हाई एंड ड्राई है मतलब काफी ऊपर है काफी सूखा हुआ है इस पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा हाई एंड ड्राई समझ गए तो नेग्लेक्टेड है हाई एंड लो का मतलब क्या होता है हर जगह फैला हुआ है एवरी वेयर नो बडी नो बडी इज लेफ्ट कोई भी इससे नहीं बचा है ठीक है नेक्स्ट क्या है हाई एंड माइटी देख लो हाई 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 है सारे यहाँ पे भी हाई 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 अब ये हाई हाई के सारे क्या होते हैं चलो एक साथ कर लेते हैं हाई एंड ड्राई होता है तो इग्नोर्ड होता है हाई एंड ड्राई जिसपे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है हाई एंड लो मतलब ऊपर नीचे सब जगह आपको मिल जाएगा हाई एंड माइटी ही इज हाई ऑल्सो माइटी ऑल्सो माइटी तो है ही पावरफुल है पर हाई भी है हाई मतलब दिमाग इसका कुछ सातवें आसमान पे रहता है खूब एरोगेंट है घमंडी है प्राउड है कंसीटेड है है ना सेल्फ सेंटर्ड है ठीक है उसे कहा जाता है नेक्स्ट है हाई हैंडेड हाई हैंडेड मतलब कुछ ज्यादा ही हैंडेड कर लिया गया हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है इसको कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे दी गई है है ना ओवर बेयर है ओवर बेयर है मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छे से इसको हैंडल कर लिया गया है नेक्स्ट है हाई ऑन द हॉग हाई ऑन द हॉग का मतलब क्या होता है हाई ऑन द हॉग का मतलब होता है बहुत अच्छी वाली लाइफ जीना बहुत रिच वाली लाइफ जीना लश लाइफ जीना लग्जूरियस लाइफ जीना एकदम अपुलेंट वेल्दी लाइफ जीना खूब मजे से लाइफ जीना ठीक है उसे कहा जाता है और नेक्स्ट इज हाई टाइम तो ये तो हमें आता है इट इज हाई टाइम इट इज हाई टाइम आगे बताना क्या गलती लिखूंगी इट इज हाई टाइम यू शुड इट इज हाई टाइम यू शुड स्टार्ट स्टडी बताओ क्या गलत है देखें किस में कितना है दम आइए सेंटेंस मैंने लिखा है इट इज हाई टाइम हाई टाइम का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम बिल्कुल उचित समय आ चुका है अब तो इसे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हाई टाइम में क्या गलती है बताओ कौन बता देगा बार बार एग्जाम में फेल होने के बाद अरे देखो असफलताएं हमें बार बार मिलती है और सफलता है, एक बार मिलती है तो टू गेट द लास्ट लाफ का मतलब वही है ठीक है

क्लोथ है वो यहाँ से थोड़ा सपट गया है हमने उस पे पैच लगा लिया ताकि वो दिखाई ना दे तो बैड पैच हो गया अभी अब अगर बैड पैच है अगर ये बैड पैच है तो फिर ये बार बार दिखाई देगा और बार बार दिखाई देगा तो ये प्रॉब्लम का कारण बनेगा तो बैड पैच बोला जाता है डिफिकल्टी को अगर ये बैड पैच है तो डिफिकल्टी है प्रॉब्लम है समस्या है

समझ के उसे बोला जाता है नेक्स्ट हिट द नेल ऑन द हेड हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या है सीधे तीर को निशाने पे लगाना उसे बोला जाता है हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है तीर को निशाने पे लगा से और डू समथिंग एग्जैक्टली या तो बिल्कुल ठीक ठीक बात कहना या फिर जैसा अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करके सीधे काम करना ये भी होता है इसका मतलब ठीक है नेक्स्ट इज हॉब्सन्स चॉइस ऑप्शन चॉइस क्या होती है नो रियल चॉइस एट ऑल बिल्कुल भी सही चॉइस ना होना उसे कहा जाता है ऑप्शन चॉइस मतलब एक्चुअली में आपके पास चॉइस नहीं है या तो आप ये करो या फिर आप ये करो या फिर आप ये करो मतलब ये ही करो एक्चुअली क्या है ये करो यानी yani किसी और ने पहले ही सेलेक्ट करके आपके लिए रखा हुआ है आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है यू हैव नो एक्चुअली चॉइस ठीक है नेक्स्ट है हॉकस पॉकस Focus, focus. क्या करना सेंसलेस टॉक टॉक करना मीनिंगलेस बातें करना बेकार के काम करना हैविंग नो वैल्यू जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं हो उस काम को करना होल्ड ऑन करना होल्ड ऑन करते ना किसी को कहते प्लीज होल्ड ऑन मतलब वेट करना नेक्स्ट है होल्ड आउट होल्ड आउट करना क्या होता है टू एंड्योर आ डिफिकल्ट सिचुएशन होल्ड आउट मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या करना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को से होके गुजरना ठीक है होल्ड आउट करना डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना अभी ऊपर आया था हिट अ बैड पैच ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 66 यहां पे खत्म हो गया होल्ड योर हॉर्सेस अरे अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए अभी बोला जाता है ना हिंदी में कि अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए होल्ड योर हॉर्सेस अभी वेट करिए ठीक है तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है बी पेशेंट ठीक है, पेशेंट मतलब प्लीज धैर्य रखिए जब किसी को कहना हो कि भाई सुन रुक जाओ भी थम जाओ भी जो बार 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 कॉपी पेस्ट होता है उनके लिए हमें क्या कहना चाहिए अरे प्लीज होल्ड योर हॉर्से जब मैम देखेंगी तो आंसर दे देगी याद रहेगा इससे होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब पेशेंट रखना होल्ड योर टंग जवान को काबू में रखे चुप हो जाओ होल्ड योर टंग जस्ट होल्ड योर टंग यानी जस्ट कीप क्वाइट समझ गए नेक्स्ट होप अगेंस्ट होप होप अगेंस्ट होप का मतलब क्या होता है होप से भी अगेंस्ट जाके होप करना है. मतलब बिल्कुल कोई आशा नहीं है बिल्कुल आशा नहीं है फिर भी आशा रखना एकदम नर्चर करना किसको एक इम्पॉसिबल होप को जो बिल्कुल जिसके पॉसिबल होने के बिल्कुल, बिल्कुल 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 चांस नहीं है उसको भी चांस रखना उसे कहा जाता है होप अगेंस्ट होप ठीक है नेक्स्ट है हॉर्स अराउंड हॉर्स अराउंड का मतलब क्या होता है टू बिहेव इन अ सिली एंड नॉइजी वे

हस्बैंड करो रिसोर्सेज को रिसोर्स को हस्बैंड करो यानी रिसोर्सिस को बचाओ बहुत ही अनफिट uh, सा ही है, idiom है पर इसका मीनिंग सेव करने के लिए यूज होता है बचाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है ठीक है हस्बैंड और आर बहुत अलग है ठीक है अगले वाले में चलेंगे सेवेंटी फोर में नेक्स्ट ये रहा आई कांट थिंक स्ट्रेट इसको एक बार पढ़िए आप लोग ठीक है आई कांट थिंक स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कैन नॉट थिंक रैशनली ड्यू टू बींग ओवरवेल्ड विद इमोशन एक बार इसको पढ़ के देखो क्या कहना चाह रहे क्या हो रहा है इतना ओवरवेलमिंग आपके पास यू नो रिस्पॉन्स है या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जब आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए तो उस समय आप सोच नहीं पा रहे हो ठीक है आप सोच नहीं पा रहे हो इसलिए आप कह रहे हो आई कांट थिंक स्ट्रेट Next आइसिंग ऑन द केक आइसिंग ऑन द केक क्या होता है क्या होता है? Cake पे icing कर रहे यानी कि something that makes a good situation even better. किसी अच्छी चीज को और अच्छा बना देना जैसे कि पहले से ही रूम अच्छा लग रहा था आपने उसमें कुछ और खूबसूरत फोटोज लगा दी तो अब वो और ज्यादा डेकोरेटेड हो गया और ज्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है उसे कहा जाता है आइसिंग ऑन द केक नेक्स्ट देखते

इल एट ईज बहुत कंफर्टेबल तरीके से बीमार हूं समझ गए इसका मतलब क्या है ये मारा जा रहा है व्यंग किया जा रहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं आई एम इल एट ईज यानी कि मैं बीमार ही हूं ये बोल रहा है इल एट ईज नेक्स्ट सेवेंटी एट इन अ फ्लटर फ्लटर में होना फ्लटर में होना मतलब कंफ्यूजन में होना एट सी होना एट सिक्स एंड सेवन होना एट द हॉर्न्स ऑफ डालिमा होना मतलब कंफ्यूजन में होना परप्लेक्स होना विवाइल्डर होना उसे कहा जाता है राइट ठीक है अ फॉग अ फॉग मतलब ये रहा फॉग में होना कंफ्यूजन में होना इन अ फ्लैटर में होना कंफ्यूजन में होना एट सी होना कंफ्यूजन में होना जब मैं उजिल करवा रही थी ना आप लोगों को तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कंफ्यूजन वाले तो आप एक साथ रख सकते हैं सिर्फ नंबर नंबर भी नोट कर लोगे ना कि यार 578 भी कंफ्यूजन है 579 भी कंफ्यूजन है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन भी कन्फ्यूजन है ऐसा करके खूब सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो एक बार ऐसा कर लीजिएगा कन्फ्यूजन वाले सारे एक जगह कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाएगा सोल्यूशन आप ऊपर लिख ही दोगे ठीक है फाइव एटी अ जिफी इना जिफ़ी क्या होता है जल्दी जल्दी जल्दबाजी में कोई काम करना हरी में कोई काम करना उसे कहते हैं इना जिफी समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली जो बहुत ही ज़्यादा क्विकली कर दिया गया इना नटशल सबको आता है नटशल में अगर कोई काम किया गया तो बड़ा शॉर्ट में देखो नटशल का कहानी है अलग कहानी है नटशल क्या होता है पहले ना जो किंग्स होते थे किंग्स के टाइम पे ये मतलब ये इजिप्ट के कोई किंग की कहानी कि उन्होंने क्या करा पूरा इतना वो जो इतना उनका जो स्टोरी था उसको ऐसे रैप करा मैसेज को इस तरीके से रैप रैप करा करा पहले मैसेजेस जाते थे इतना छोटा कागज में करा कि वो शेल के अंदर ही आ गया तो उसे नट से बंद कर दिया गया और भेज दिया गया मैसेज को इना नट शेल तो ब्रीफ के लिए शॉर्ट के लिए कंसाइज के लिए इसका इस्तेमाल अब किया जाता है इना नट शेल ठीक है इनापिकल पिकल में होना यानी क्या होता है डिफिकल्टी में होना या कंफ्यूजन में होना इनापिकल अचार में होना खटाई में होना मतलब ये होता है हिंदी में ठीक है डिफिकल्टी में होना उसे कहा जाता है नेक्स्ट है इना टाइट कॉर्नर टाइट कॉर्नर में होना डिफिकल्टी में होना प्रॉब्लम में होना एप्पल पाए ऑर्डर क्या है एप्पल पाए ऑर्डर है परफेक्ट ऑर्डर और अभी इसी का जस्ट ऑपोजिट आया था कौन सा अरे होकस पॉ po... नहीं होकस पोकस नहीं कुछ आया था ना हासिल वाला हेल्टर स्कैल्टर हेल्टर स्कैल्टर डिसऑर्डर के लिए आता है एप्पल पाई ऑर्डर के लिए मतलब क्या होता है एप्पल एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में होना ठीक है चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 84 हो गया 85 इन बैड टेस्ट बैड टेस्ट में होना

इन केहूट विद केहूट के साथ होना मतलब क्या होता है केहूट विद होना अलायंस में होना पार्टनरशिप part, में होना लोगों के साथ होना ग्रुप में होना इसे कहा जाता है कोल्ड ब्लड पता ही है आप लोगों को गुस्से में या फिर लड़ाई झगड़े में कोल्ड ब्लड होना है ना या कोल्ड वॉर होता है लड़ाई झगड़े में होना एग्जाम में भी कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं 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 कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कंफ्यूजन 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 को अलग रख लो तो कंफ्यूजन सारा वहीं हो जाएगा और सब निकल जाएगा एग्जाम में सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारा है इन डीप वॉटर डीप वॉटर में होना एकदम गहरे पानी में चले गए हो तो किस में आ जाएंगे ट्रबल में देखो आप डिफिकल्टी वाले सारे आ रहे हैं बहुत सारे है ना डिफिकल्टी में होना डीप वाटर में है डिफिकल्टी में डच में है डिफिकल्टी में, में है ठीक है नेक्स्ट इन हार्मनी विद हामनी का सबको पता है हामनी क्या होता है हामनी होता है अगर हम मिलजुल कर रास्ता बनाएं तो हामनी होता है उसी को कहते हैं हामनी अग्रीमेंट हामनी में होना अग्री में अग्री होना कंसेंट uh, होना और साथ होना सबका टुगेदर होना उसे कहा जाता है नेक्स्ट क्या है इनहानस ये एग्जाम्स के ही तो हैं अलग से कहाँ आते हैं एग्जाम के ही हैं ये ठीक है

बिक जाते हैं बाल ठीक है ज्यादा परेशान मत हो नेक्स्ट पे चलिए इन द असेंडेंट असेंडेंट में होना देखो बेटा जी असेंड करना क्या होता है ऊपर ऊपर बढ़ना करना, बढ़ना असेंड असेंड करना करना चढ़ाई होता है ना तो अगर आप असेंड कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं ग्रो ग्रो कर रहे हैं ग्रो करना आगे बढ़ना डेवलप करना ठीक है उसे बोला जाता है असेंडेंट में होना नेक्स्ट है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई पलक झपकते ही पलक झपकने का मतलब क्या होता है तुरंत से कोई काम हो गया विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इमीडिएटली तुरंत सुन ठीक है नेक्स्ट है इन द ब्लूज ब्लूज में अगर आप हैं तो कैसे हैं चेयरलेस है ब्लू कलर किस लिए आता है स्काई के लिए आता है वेन देर इज नो होप ब्लू ही ब्लू दिखाई जाता है ठीक है तो ब्लू में होना चेयरलेस होना डिप्रेस्ड होना ठीक है देखिए नेहा को रेट भी बता दिए अब क्या चाहिए यहाँ पे सब कुछ हो जाता है है ना पता चल जाता है सबको नेक्स्ट इन द डार्क डार्क में होना इग्नोरेंस में होना मतलब ही हिज वाइफ इन द डार्क है ना उसने अपनी वाइफ को डार्क में रखा अंधेरे में रखा यानी अननोन रखा अनवेयर रखा बताया ही नहीं कुछ भी तो इन द डार्क होना यानी इग्नोरेंस में होना ठीक है नेक्स्ट इन द ड्राइवर सीट ड्राइवर सीट में होना मतलब यू आर इन द ड्राइवर सीट नाउ जिम्मेदारी आपके कंधे पर है बैक सीट ड्राइवर जो होता है वो पीछे से हिंट्स देता रहता है उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं पर आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं तो आज के ड्राइव आप कर रहे हैं यानी आज गाड़ी आपको चलानी है आज जिम्मेदार आप हैं राइट right? उसे बोला जाता है इन द ड्राइवर सीट नेक्स्ट चलेंगे 601 पे एक सेकेंड गाइस है ना 601 हमारा यहाँ पे है नहीं ले आते हैं मिनट चला लेते हैं देखना पड़ेगा एक बारी सिक्स हंड्रेड वन ये रहा चलिए नेक्स्ट हमारा है 601 जिसमें लिखा हुआ है इन द आई ऑफ अ स्ट्रॉन्ग देखिए गाइज यहाँ पे 100 हमारे एक घंटा हो चुका है सेशन को स्टार्ट हुए और 100 हमारे कंप्लीट भी हो गए हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी से ये और खत्म हो जाए तो पांच बजे हैं बजे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था और 500 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फाइव हंड्रेड वन से हमने आज स्टार्ट किया था सिक्स हंड्रेड वन पे हम लोग आ गए चलिए शुरू करते हैं सिक्स हंड्रेड वन में क्या लिखा हुआ इन द आई ऑफ अटॉम स्टॉम की आई में होना यानी क्या होता तुफान. तुफान है तूफान और तूफान किसका सिग्निफिकेंट है डिफिकल्टी का प्रॉब्लम का तो टिपिकली आप कहा है स्टॉम के आय में एकदम बीचों बीच है यानी पूरी तरीके से आप घुसे हुए हैं डिफिकल्टी में डिफिकल्टी में होना स्टॉम में होना डिफिकल्टी में होना ठीक है अगला वाला क्या है इन द गुड बुक्स गुड बुक्स में होना किसी की नज़रों में अच्छे होना फेवर में होना उसके इन द बैड बुक्स किसी की नज़रों में काफ़ी बुरे होना नेक्स्ट लिखा हुआ इन द लॉन्ग रन लॉन्ग रन में जाना मतलब इवेंचुअली फाइनली यही काम आने वाला है the, the, uh, uh, ही इज द ही इज अ पर्सन हु विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन इवेंचुअली यही काम आएगा ठीक है फर्स्ट पार्ट कहाँ है अभी ट्यूसडे को हुआ था मैथ्स और इंग्लिश का महावा इसको हम अलग अलग कर देंगे ठीक है ताकि आप फर्स्ट पार्ट को भी देख सकें राइट चलिए नेक्स्ट है इन द लूप इन द लूप में अगर आप किसी को रखते हो तो क्या करते हो उसको कॉन्टैक्ट में रखते हो जैसे मेल कर रहे कीप यू इन द लूप मतलब यू, वी विल कीप इन द टच वी विल इन्फॉर्म यू रेगुलरली वी विल मेक नोट ऑफ यू ठीक है हर समय आपको बताना ठीक है सिबिलिटी हाँ, होता है बिल्कुल सही इन द दिक ऑफ टाइम मतलब क्या होता है एकदम लास्ट मोमेंट पे कोई काम करना जस्ट एट द इलेवेंथ आर एक और इडियम होता है एट द इलेवेंथ आर एकदम लास्ट मतलब में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप एकदम लास्ट मोमेंट पे कोई काम कर रहे हैं उसी को कहा जाता है इन द नेक ऑफ टाइम या एट द इलेवेंथ आर नेक्स्ट लिखा हुआ इन द ऑफिंग इन द ऑफिंग मतलब भाई कमिंग शॉर्टली आने ही वाला है अपियर होने ही वाला है उसी को कहा जाता है इन ऑफियर ऑफिंग मतलब अपियर सुन आने ही वाला है कमिंग सून कहते हैं ना कमिंग सुन कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है तो उसके लिए कहा जाता है कमिंग सून कमिंग शॉर्टली एक्सेट्रा उसके लिए ठीक है चलिए

इन द रेड रेड होना यानी लाल रंग तो वैसे ही खतरे की निशानी होती तो इन द रेड अगर आप हैं तो आप किस में है डेंजर में है डेंजर में है यानी खतरे में है है ना यानी कि आपके सर पर तलवार लटक रहे हैं इन द रनिंग यू आर इन द रनिंग मतलब यू आर इन द आप फाइट कर रहे हैं आपकी आप किसी सीट के लिए लड़ रहे हैं उसे इन द रनिंग बोला जाता है इन द सूप सूप में होना डिफिकल्टी में होना स्टॉम की आई में होना समझ रहे हो परेशानी में होना इन द सूप होना ट्रबल में होना इन द स्विम स्विम में हो रहे हैं अगर आप इन द स्विम है मतलब आप तैरना चाह रहे हैं आराम से तैर के निकल रहे हैं यानी आपको हर चीज पता है आप अपडेटेड है एकदम सही है वेल well इंफॉर्म्ड है हर चीज आपको पता है ठीक है प्रेपोजिशन अभी टाइम लगेगा ठीक है प्लीज वेट इन द टीथ ऑफ इन टीथ ऑफ क्या होता है टीथ ऑफ होना यानी क्या होता है इन द टीथ ऑफ लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ समथिंग कुछ नहीं है चलो कोई बात नहीं हम हाँ बोल रहे हैं जैसे प्लान ए इसका चार्जर प्लान ए खत्म हो जाता है तो प्लान बी ले आते हैं ठीक है थीके? उसे बोला जाता है इन द टीथ ऑफ नेक्स्ट है इन वोग वोग यानी क्या होता है वोग हम लोग को पता है वोग यानी क्या होता है फैशन है ना एक होता है वेग ध्यान रखिएगा वेग यानी क्या होता है फालतू का जो अनक्लियर हो वेग कई चीज होती है तो हमें समझ ही नहीं आ रहा बंदा क्या बोल रहा है ही इज वेग मिस्टीरियस है वैग है और कैसा है एम्बिगियस है ऑब्सक्योर है वैग होता है लेकिन अगर वोग अगर आ, आ जाए हमारे सामने कोई व्यक्ति अगर वोग है है ना या वोगिश है पर्सन कैसा होगा वोगिश पर्सन तो वोगिश पर्सन है यानी फैशनेबल पर्सन है मॉडर्न पर्सन है ट्रेंडी पर्सन है काफी इसको पता होता है ठीक है तो वोग यानी पॉपुलर राइट इन्स एंड आउट्स आई नो हिज इन्स एंड आउट मुझे उसके सारे इन्स एंड आउट पसंद है ठीक है इन्ज एंड आउट का मतलब क्या होता है इन्ज एंड आउट का मतलब होता है फुल डिटेल्स मैं उसकी सारी मैं उसकी इन्ज एंड आउट पूरी अच्छे तरीके से जानती हूँ यानी पूरी डिटेल्स है उसकी मेरे पास सब जानती हूँ उसका मैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा आयरन फिस्ट आयरन फिस्ट मतलब क्या होता है लोहे के हाथ है जो करना है वैसे ही करना वो हिलेगा भी नहीं हिलेगा भी नहीं आपको अपने आप को ढालने पड़ेगा सामने वाला नहीं ढालेगा यानी सामने वाला कैसा है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है नेक्स्ट पे चल रहे हैं फिफ्टीन ही यहाँ पे ख़त्म होता है सिक्सटीन पे। सिक्सटीन में क्या है देखो कई चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आप लोगों को बिल्कुल पता होता है अच्छा, ये हुआ है, अभी होगा। जैसे कि कल सुबह उजाला होगा, आज रात को अंधेरा होगा ये क्या है क्लियर तो है, तो है, है, है पता ही है यार इसमें क्या बताना इसे बोला जाता है इट गोज विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस जिसको हम लोग ऑब्वियस मानते ही है उसी को बोला जाता है हाँ लास्ट का नहीं दिख रहा है बेटा हाँ आयरन फिस्ट थानोस के हाथ बिल्कुल सही बात है नेट से इट्स ग्रीक टू बी मुझे इंग्लिश आती है मुझे चाइनीज आती है पर आप मुझसे आके बात कर रहे हो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में तो मैं क्या कहूँगी इट्स ग्रीक टू मी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि ये मेरी भाषा नहीं है तो अगर कोई बंदा इट्स ग्रीक बोलता है उसका मतलब क्या है इट इज़ नॉट समझ में आने वाला है अन un अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ मैं इसको ठीक है उसे बोला जाता है भाई जिसको अच्छा लग रहा है दिल से लाइक जरूर करा करो आपका दिल से लाइक हमारे दिल तक बिल्कुल पहुँचता है इसलिए प्लीज डू इट और अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करिएगा ओके okay? चलिए वन वर्ड के आ, अच्छा अच्छा ब्लैक बुक के वन वर्ड अगले वाले सेशन में करेंगे अगले सैटरडे को ठीक है नेक्स्ट इट इज नॉट रॉकेट साइंस कई लोग कहते हैं ये ये कौन सा रॉकेट साइंस है अगर कोई काम रॉकेट साइंस है तो वाकई डिफिकल्ट है रॉकेट साइंस इज नॉट एन इजी टास्क तो अगर कोई चीज नॉट रॉकेट साइंस है इसका मतलब क्या हो गया कैसा है आसान है बहुत ही आसान है यूज टू से वैन यू डू नॉट थिंक जब आपको ऐसा नहीं लगता कि समथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है ठीक है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस ये कौन सा रॉकेट साइंस है यू हो जाएगा यू लाइक करना हो, कौन सा रॉकेट साइंस अभी कोई लोग कहेंगे कौन सा दिल से ही हो जाता है नो नो एवए मत करिए दिल से करिए एकदम ठीक है चलो नेक्स्ट हमारा आइवरी टॉवर्स लिखा हुआ है आइवरी टॉवर्स क्या होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर एक दूसरे से बहुत दूर तो आइवरी टॉवर्स दे आर आईवरी टॉवर्स ना दे आर कंप्लीटली कैसा डिटैच

तो make somebody remember something. किसी को कुछ कुछ याद याद दिलाने के लिए उसको उसको काफी exercise करवाना या फिर कुछ ऐसा करना कि तुरंत से वो आ जाए। क्या क्या है जम्दगन. जम्दगन क्या होता है होता आपके सामने कोई लेके खड़ा हुआ है और आपने पैरों से हिट किया और वो भी गिर गया गन भी गिर गई और आपको भी आ, गन पकड़नी है उसको बचाने के लिए तो आप क्या करोगे तुरंत से गन को झपटने की कोशिश करोगे तो गन को झपटना यानी कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना उसे कहा जाता है तुरंत से तुरंत से एक्शन लेना उसे कहा जाता है द द ही एंड मी तुरंत से उसने एक्शन लिया नेक्स्ट हमारा है जंपिंग डाउन माय थ्रोट ये जंपिंग डाउन माय थ्रोट हो रहा है मतलब आई एम नॉट गोइंग टू वेयर इट आई एम गोइंग टू स्कोल्ड स्कोल्ड मैं उसको स्कोल्ड करने वाली हूँ डांटने वाली हूँ जंप डाउन माय थ्रोट होता है स्कोल्ड करना किसी को ठीक है हाँ जी एक बार मैं बता दू पीडीएफ कहाँ मिलेगा क्योंकि गाइज ये लॉन्ग सेशन है तो लॉन्ग सेशन का पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलता है लॉन्ग सेशन का एक वहां पे वो बना हुआ है फॉर्मेट उसमें मिल जाएगा कंटेंट में आप लोगों को मिल जाएगा और इसमें देने का सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि जब हम रेगुलर सारे हम इंडिया स्टडीज पे डालते हैं जैसे ही कोई लॉन्ग होता है हम वहां पे डालते हैं हमारे ऐप पर उसका सिंप, सिंपल सा रीजन ये है कि टेलीग्राम में चीजें खो जाती हैं यहां पर हमेशा से रहती है इसलिए हम इसको यहां डालते हैं ठीक है चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कीपा सिविल टंग सिविल टंग रखना मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ बहुत ही पोलाइटनेस के साथ बहुत ही ग्रेसफुली बहुत ही अच्छे से किसी से बात करना इसे कहा जाता है कीपा सिविल टंग ओके हाँ जॉन्डिस पीलिया ही होता है नहीं पता था क्या मैंने नहीं बताया नेक्स्ट की अ लो प्रोफाइल लो प्रोफाइल रखना मतलब मतलब क्या करना आपने अपने प्रोफाइल को लो रखा है क्यों ताकि लोगों की नजरों से आप बच सके जब आप नहीं चाहते कि यार लोग मुझे जाने जैसे कई बार ऐसा होता है व्हेन आई गो मार्केट और मुझे पता है यहां पे स्टूडेंट्स मिलेंगे तो आई कीप माई सेल्फ इन सच अ वे कि लोगों की नजर में मुझ पे ना पड़े कि अट्रैक्ट नहीं होना तो उसे क्या कहते हैं आई कीप माई प्रोफाइल लो सो दैट पीपल ट्राई

एट at लेंथ way. At way रखना ठीक है एट लेंथ रखना इसका मतलब क्या होता है एट लेंथ रखने का एक ही मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉजिंग कई लोगों को हम एट लेंथ रखते हैं क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि उनकी नजर हम तक ना पहुंचे ताकि कि वो हमें परेशान ना कर सके ट्रेवल ना कर सके मैं आपको एक बार लिंक यहाँ पे शेयर करवा देती हूँ नीचे इस वीडियो के नीचे जस्ट अभी आप लोग क्लिक करेंगे वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी इसका फर्स्ट पार्ट ठीक है अभी करवा देती हूँ नेक्स्ट कीप इन टच टच में रहना टच में रहना क्या होता है किसी से कॉन्टेक्ट बना के रखना आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेकंड पार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट आया था ट्यूसडे वाला है ना उस वीडियो का लिंक यहाँ पे अभी लगा दो नीचे हाँ नेक्स्ट क्या है कीप अंडर वन हैट के अंदर रखा हुआ है अरे देखो 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 एक मिनट एक है ना इडियम होता है इडियम होता है टू रिवील द सीक्रेट के लिए पुट खोला कैट बाहर सबको पता चल गया हैट के अंदर अगर आपने कुछ रखा हुआ है तब तक किसी को नहीं पता आपने मनी भी रखा हुआ है इट इज सेफ जैसे ही हैट हटा सबको पता चल गया तो अगर आपने कोई चीज को हैट के अंदर रखा हुआ है यानी आपने कैसे रखा हुआ है उसको सीक्रेट रखा हुआ है छुपा के रखा हुआ है ठीक है उसे बोला जाता है कीप अंडर वंस हैड ठीक है अगला वाला keep up appearances. Appearances क्या होते हैं रूप परिवर्तित करते रहना अपने आप को बदलते रहना कभी खुश दिखाई दे रहे हैं कभी दुखी दिखाई दे रहे हैं कभी रिच दिखाई दे रहे हैं और ज्यादातर रिच दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर खुश दिखाई दे रहे हैं अंदर कुछ और है बाहर कुछ और अपियरेंस करना इसे कहा जाता है कीप अप अपियरेंसेजेंड दिखावा करना हैपियर होने का या रिचर होने का सो एज टू कंसील छुपाना होता है छुपाना अपने रियल सिचुएशन को अपने रियल सिचुएशन को छुपा कर ठीके? रियल सिचुएशन को छुपा कर क्या होना दिखाना दिखावा करना केवल कि भाई आप बहुत अमीर हैं आप बहुत हैप्पी हैं आप बहुत खुश हैं एक्चुअल में भले से नहीं है आप नहीं है एक्चुअल में ठीक है उसे कहते हैं अप पसंद कीप अप अपियरेंस ठीक है प्रिटेंड करना केवल आप कह भी सकते हो सिर्फ शो ही होना प्रिटेंशियस होना ऑस्टेंटेशियस होना दिखावटी बने रहना ठीक है आगे चलते हैं इसी के साथ 630 हमारे खत्म हो चुके हैं 631 पे 631 क्या कह रहा है कीप योर चिन अप चिन हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखना मतलब क्या होता है बंदा नीचे तो देखता ही नहीं क्योंकि खुद पे इतना घमंड है ये तो सारे मेरे से सा नीचे हैं समझ रहे हो ये सारे क्या है मुझसे नीचे हैं रिमेन चेयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज ये बोल रहा है क्या देखो अभी समझो कीप योर चिन अप चिन को थोड़ा हाई रखना यानी मुस्कुराते रहना यानी दूसरों को नीचा नहीं समझना चाहे कैसी भी स्थिति हो दो दो इसके सेंस निकल सकते हैं कीप योर चिन चिन्ह या तो आप अपना चिन ऊपर रख रहे हैं दूसरों को नीचा समझ रहे नहीं ये इसका साइन नहीं ये इसका सेंस नहीं है क्या बोल रहा है चिन अप रखना यानी चाहे कैसी भी सिचुएशन है मुंह आपका लटका हुआ नहीं है समझ रहे हो मुंह आपका लटका हुआ नहीं है आप कैसे हैं हमेशा खुश हैं चाहे आपकी सिचुएशन बद हो या बदतर हो या अच्छी हो, आप हमेशा खुश हैं उसे बोला जाता है ठीक है क्या लिखा हुआ कीप योर हेड हेड रखना दिमाग रखना यानी दिमाग से काम लेना यानी सब्र रखना यानी शांत रहना काम रहना कूल रहना चिल रहना रिलैक्स रहना हेड है तो काम है कूल है दिमाग नहीं रहेगा तो आप गुस्सा करोगे राइट उसे बोलते हैं कीप योर शर्ट ऑन शर्ट ऑन कब रखते हो जब आप घर में हो आप कैसे भी कपड़े शर्ट ऑन का मतलब ये नहीं कि आप पब्लिकली विदाउट शर्ट घूम रहे हो ये सिर्फ सलमान खान ही कर सकता है ठीक है कीप योर शर्ट ऑन का मतलब यू आर रियली वेरी कूल बहुत आराम से चल रहे के अपना काम कर रहे हो तो आप कैसे हो चिल हो रिलैक्स हो रिलैक्स हो कंफर्टेबल हो, हो ये सब रिलैक्स के लाइंस है देखो कीप योर हेड

ठीक है अब हेड है तो सिर्फ हेड रखने से काम नहीं चलेगा हेड को लेवल भी रखना पड़ेगा यानी हेड को बैलेंस रखना पड़ेगा यानी क्या मतलब है मतलब है यानी मतलब आपको सेंसिबल रहना पड़ेगा बैलेंस रखना यानी सेंसिबल रखना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट हाँ शर्ट ऑन का मतलब ये मस्ती में होना बिंदास होना ओपन होना फ्रैंक होना एकदम कूल होना एकदम चल होना एकदम रिलैक्स होना इसका मतलब ये मतलब शर्ट निकाल के हर जगह घूम रहे हो समझ गए नेक्स्ट 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 क्या अ स्टिफ अपर लिप अपर लिप अपर लिप जस्ट लिप के ऊपर वाला शोइंग नो no no भी सिचुएशन हो आपके एक्सप्रेशन जो है बाहर नहीं आते बॉस होते ना कहीं खड़ूस कभी वो सुनाते ही नहीं है उन्हें बोला जाता है दे कीप देर लिप अपर लिप्ट स्टिफ मतलब क्या रिमेन एक्सप्रेशन खड़ूस व्यक्ति को बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट आगे क्या है लास्ट वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है मुझे पता है लेट, लेट मी टेल यू आता है आप सबको किक द बकेट किक द बकेट क्या होता है किक द बकेट पुराने जमाने की कहावत है जब बाल्टी पे पैर रख के ऊपर चढ़ा जाता था और फिर यहां पे फांसी का फंदा लगाया जाता था और फिर बकेट पे पैर से लात मार दिया जाता था और बकेट गिर जाती थी और आप मर जाते थे तो कीप द बकेट सॉरी किक द बकेट का मतलब डाई हो जाता था जो कि आजकल नहीं करना है किसी को भी अब क्योंकि ये क्या होता है सबसे बेहूदगी वाला काम होता है ऐसा काम जो कि मतलब Uh, जो सबसे ज्यादा डर जाता है ना सिचुएशन से वही शायद ऐसा कर सकता है हमें सिचुएशन का सामना करना चाहिए डिफिकल्टी का सामना करने से हम स्ट्रांग भी बनते हैं और हमें कॉन्फिडेंस भी आता है और वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से हल भी हो जाती है वो नहीं करना चाहिए ठीक है तो किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई जो आपको नजर नहीं आ रहा इसी के साथ सिक्स थर्टी एट यहाँ पे खत्म होते हैं सिक्स थर्टी नाइन आपके सामने आ चुका है इसमें क्या लिखा हुआ है किक अप आ रो किक और रो का मतलब क्या होता पूरी की आप मतलब समझ रो क्लास में बैठे हुए हो क्लास में बैठ के आपने आगे वाले रो को पूरा का पूरा किक कर दिया टीचर बढ़ा रहा है क्रिएट हो गया ना मेस मेस क्रिएट हो गया ना प्रॉब्लम क्रिएट करना और रो मतलब पूरी की पूरी की को, रो को किक कर देना खूब ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना, करना उसे बोला जाता है नहीं नहीं टू मेक नहीं खुद ही सुसाइड करना डाई मर जाना ठीक है मारना नहीं बोला है kill होता न, नहीं तो मरना होता होता ना मरना है किसी और को आप डाय करते हो क्या किसी और को आप kill करते हो ठीक है या मर्डर करते हो वट इज बिटवीन मर्डर एंड डाय मर्डर एंड किल बताना चलो नेक्स्ट हील्स अरे वो क्या कर रहे हैं जैसे हिंदी में तो जनरली कहते हैं आजकल क्या कर रहे हो मक्खियां मार रहे हो ठीक है मच्छर मार रहे हो इसका मतलब क्या नथिंग सिंपल

नेक्स्ट किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन एक तीर से दो निशाने समझ गए आप इसका बढ़िया सा एग्जांपल कोई देने वाला है क्या यहाँ पर मुझे ऐसा आ, मैं जो पता नहीं अंदर से आ रहा है यहाँ पे कोई ना कोई बताएगा किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन अगर आपके पास आंसर है तो जल्दी बताइए वैसे सब समझ गए नेक्स्ट है हमारा किथ एंड किन किथ एंड किन मतलब क्या होता है भाई मतलब मारना बट मर्डर मतलब इंटेंशनली मारना और kill मतलब चल रहे थे हाथ लग गया चाकू चल गया और मर गया वो बंदा ऐसा क्या मतलब चलते चलते मुझसे ऐसे दो चार मौतें तो फिर हो ही जाती होंगी नहीं भाई ये नहीं है नेक्स्ट किथन किन क्या होते हैं किथन किंग होते हैं किन होते हैं क्लोज को किथन किंग बोला जाता है step, kitty corner. Kitty corner है है नेक्स्ट किटी किटी कॉर्नर कॉर्नर पता क्या होता है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किटी कॉर्नर मतलब वो जगह जहां महिलाएं बैठ के बातें करती होंगी बिल्कुल गलत है ठीक है किटी किटी कॉर्नर क्या होता है किटी कॉर्नर ये होता है एक बंदा यहाँ बैठा दूसरा यहाँ बैठा अगर आप यहां बैठे हो तो दूसरा बंदा यहाँ बैठा डायगनॉली ऑपोजिट को किटी कॉर्नर कहा जाता है ठीक है लिंक अभी डलवाया है बेटा आई होप कि यहाँ पे डल गया होगा एक बार लेट मी चेक यहीं पे होना चाहिए इसका लिंक नीचे डल गया होगा ठीक है अभी मिल जाएगा आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का मैं अगर नहीं भी डला होगा आफ्टर क्लास मैं खुद ऐड कर दूंगी वहां पे ठीक है चलिए एक ही क्लास से बहुत सारे एग्जाम निकालना इंग्लिश यहां से पढ़ ली आप एनडीए दे रहे हो CDS दे रहे हो CHSL दे रहे हो CGL दे रहे हो CPO दे रहे हो एम दे रहे हो सारे निकाल लिए स्टैनो निकाल लिया इट मींस एक ही वीडियो से बहुत सारे तीर आपने तीर आपने लगा लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे कितनी कॉर्नर है यहाँ पे खा नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड अरे बड़ा मजा आएगा देखो सुनो ये हैंड है ठीक है मेरा हाथ है मेरा कोई फ्रेंड है जिसको ये पता है मेरा जो बैक हैंड है इसमें कितने निशान है कितने मोल्स है कितने है, मतलब किसे कर्व्स कैसे बने हुए हैं इट मींस कि ही नोज मी इन वेरी डिटेल समझ रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया किसी के हैंड को बैक किसी के हैंड के बैक को भी पूरा जानना यानी एकदम एकदम बारीकी का ज्ञान होना किसी के बारे में बिल्कुल डिटेल का ज्ञान होना ठीक है ठीक है उसे कहा जाता है नो लाइक द बैक ऑफ वन हैंड अगले वाले में चलेंगे फोर्टी फाइव पे यहां पर पहुंच गए हैं एस विब्शी के इडियम्स नहीं करवाए वन वर्ड करवाए हैं ठीक है नेक्स्ट नो समथिंग इन साइड आउट किसी देखो अभी इन एंड आउट आया था इन एंड आउट डिटेल में जानना किसी का इनसाइड आउट जानना या किसी को इनसाइड आउट जानना इसका मतलब क्या होता है किसी को पूरी तरीके से जानना नो बैक ऑफ वंस हैंड आया था ना अभी वही एवरी थिंग अबाउट समबडी किसी के बारे में हर चीज जानना पूरी डिटेल में किसी को जानना उसी को बोला जाता है नो समथिंग इनसाइड आउट नेक्स्ट नोज हाउ मेनी बीस मेक फाइव अरे ये बड़ा सुपर पर्सन है इंटेलिजेंट पर्सन है एक्सलेंट पर्सन है वाइस पर्सन है प्रूडेंट पर्सन है क्यों क्योंकि इसको पता है कितने बीन्स मिला के सॉरी कितने बीन्स मिला के फाइव बनते हैं इसको पता है मतलब ही नोज एवरीथिंग यार वो अपडेटेड है एकदम उसको पता है ठीक है कैसे बढ़ू इडिय जैसे भूलू नहीं बस ऐसे पढ़ लीजिए क्लास मेरी एक ये है एक लॉन्ग सेशन है इडियम्स वाला दो देख लीजिए जिंदाबाद उसके बाद कुछ नहीं देखना एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा इडियम्स का अगर इन क्वेश्चन को इन सेशन को देख लिया बस कुछ नहीं करना और ठीक है चलो ये ब्लैक बुक है ब्लैक बुक यहां लिखा हुआ है ना बेटा जी ब्लैक बुक कर रहे हैं अभी हम ब्लैक बुक कर रहे हैं और एसपी बख्शी के मैंने वन वर्ड करवा चुकी हूं इडियम्सन करवाऊंगी अब है ना नेक्स्ट लेट डाउन देअ सोल्जर्स जो थे लड़ाई के दौरान क्या होता है? इसका मतलब होता है उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया आत्मसमर्पण करना भाई अब हमसे नहीं लड़ा जा रहा है अब हम नहीं लड़ेंगे थक गए हैं लड़ते हुए अब हम पहले कोल्ड ड्रिंक पियेंगे पानी पियेंगे थोड़ी बातें शाते करेंगे उसके बाद देखा जाएगा तो आत्मसमर्पण करना उसे बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट द भी आना चाहिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मतलब क्या होता है ये आखिरी है पर लीस्ट नहीं है लीस्ट मतलब अनइंपॉर्टेंट आखिरी है पर ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है द लास्ट टास्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट ये भी उतना ही डिफिकल्ट है इस तरीके से भी बोल सकते हैं ठीक है अगला वाला टू something. देखो बेटा जी लैच क्या होता है दरवाजे की कुंडी को लैच बोला जाता है ये लैच क्या होता है दरवाजे की कुंडी होती है उसको लैच बोला जाता है टू बिकम फॉर्मली अटैच किसी से फॉर्मली हो होता है Latch on. आपकी उससे जुड़ाव हो गया कुंडी आपकी उससे जुड़ गई है आपके तार उसके तार से कनेक्ट हो गए समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ किसी से अटैच हो जाना किसी से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाना उसे बोला जाता है लैच ऑन टू समबडी

651 के लिए आगे हम लोग बढ़ चुके हैं ये रहा 651 क्या लिखा हुआ है लॉरल्स लॉरल्स क्या होता है लॉरल्स होता है प्रेस्टीज लाना इनाम लाना रिवॉर्ड लाना लॉरल्स ब्रिंग लॉरल्स यानी अचीवमेंट लेना ठीक है तो लॉरल्स उसे जा, कहा जाता है हाँ जी हाँ महा ट्यूसडे जो हुआ था उसी के लिए बोल रहे हैं अगला वाला लेआउट लेआउट करना खर्च करना स्पेंड करना लेंग इट ऑन थिक लेंग इट ऑन थिक किसी चीज को थिक पे कर देना मतलब कि उसको खूब तिल का ताड़ बनाना राई का पहाड़ बनाना इतनी सी बात को इतना सा बना देना स्ट्रॉन्ग इन कप ठीक है

किस आपने कहा खड़े हो जाओ खड़ा हो गया कहा बैठ जाओ बैठ गया फिर खड़े हो जाओ फिर बैठ जाओ फिर खड़े हो जाओ फिर बैठ जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ ये करने वाला बंदा क्या होता है आपके द्वारा चलाया जाने वाला होता है आप जैसे हाकर रहे होता जाएगा ठीक है उसे बोला जाता है डोमिनेट करना किसी को है ना कई बार कई हैंड पैक्ड हस्बैंड होते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड को कहा जाता है काफी फेमस होते हैं जोरू का गुलाम हिंदी में कहा जाता है ना तो वाइफ ने कहा खड़े हो जाओ खड़े हो गए ऐसे

लीव नो स्टोन अनटर्न अगर मुझे सफलता हासिल करनी है अचीव करना है अपना टारगेट तो मैं क्या करूंगी मैं ये भी करूंगी ये भी करूंगी ये भी करूंगी ये भी जितना हो सके वो सब करूंगी क्यों इन ऑर्डर टू गेट द टू इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग तो ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हर चीज ट्राई करके देख देना उसे कहा जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न ठीक है

किसी को कोल्ड में छोड़ देना यानी कि इग्नोर करना उसको उसको ऐसे ही छोड़ देना ठीक है ये दोनों एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट लैंड मी योर योर प्लीज जैसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है आप तो चैट्स में लग जाते तो फिर मैं कहती हूँ प्लीज लैंड मी योर यर यानी कि प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए यात्री कृपया ध्यान दे इस लैंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं लैंड मी योर य प्लीज कान खड़े हो जाते हैं ना जब हमारी ट्रेन आने वाली होती है यात्री कृपया ध्यान दे से लैंड मी योर ठीक है अगले वाला फर्स्ट पार्ट का लिंक वीडियो खत्म होने के बाद इसी में जोड़ दिया जाएगा प्लीज मेरा निवेदन है आप प्लीज इस बात को ध्यान में रख ले बार बार ना पूछे, okay? अभी गया, अभी हो. उसे बुला दो छोड़ दो लेट बायगॉन्स जो चला गया उसको जाने दो अगले वाले पे ध्यान दो आइए लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स हंड्रेड भूल जा रहे भूल मत जाना बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब होता है बुराई को भूल जाओ जो लड़ाई बड़ाई हुई है सबको छोड़ दो ठीक है अगले वाला लेट ऑफ स्टीम ऑफ स्टीम हो जाना स्टीम यानी क्या होता है फ्यूल फ्यूल यानी क्या होता है एनर्जी तो फ्यूल को छोड़ देना एनर्जी को छोड़ देना ऑफ uh, स्टीम हो जाना मतलब क्या होता है टू वर्क और प्ले ऑफ एक्सेस एनर्जी ठीक है पानी पिला दो प्लीज ठीक है हाँ अब अगला वाला देखो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए अरे जो सो रहे हैं ना डॉग्स उनको लेटे ही रहने दो मतलब क्या है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स गड़े मुर्दे मत उतारो उखाड़ो डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू जो कंट्रोवर्शियल इशू है जिस पे लड़ाई हो सकती है उसको मत निकालो यार मत कुरेदो उस बात को समझ गए तो डू नॉट ब्रिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइ लेट बाइगॉन्स बी बाइग उसे बोला जाता है जो हुआ सो so हुआ लेट समिंगर्स हाथ से कोई चीज अगर आपके स्लिप हो गई है इसका मतलब क्या होता है हाथ से अगर कोई चीज स्लिप हो गई इसका मतलब गया गई भैंस पानी में कुछ नहीं हो सकता हुआ. अब अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत मतलब क्या है मतलब ये है टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी किसी अपॉर्चुनिटी तो को अपने हाथों से जाने देना छोड़ देना नहीं पकड़ना उसको ठीक है अगले वाला लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कैट आउट ऑफ द बैग आ गई यानी सबको पता चल गया कि बैग में क्या था कैट था रिवील कर देना खुलासा कर देना लोगों को सीक्रेट का सीक्रेट का पता चल जाए आपका सीक्रेट पता चल गया समझ गए? उसको कहा जाता है अगला वाला हाँ, अब अब कुछ भी कर लो अब क्या फायदा गई भैंस पानी में अब कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर आ गए हैं 67, देखें क्या कह रहे हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या है लेट द चिप्स फॉल चिप्स को गिरने दो लेट आ गया ना गिरने दो चिप्स को वेयर दे में जहां उनको गिरना है कुछ करना है आप कुछ करना चाहते तो हैं होगा, होगा, जहां गिरने लीव इट ठीक है जब आपको कुछ मतलब आपको कुछ करना है आपने ठान लिया यस मुझे यहां जाना मैं यहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कोई भी रास्ते में आए मैं उसको हटा दूंगी इधर से हटा दूंगी उधर से हटा दूंगी मतलब ये होता है लेट द चिप फॉल वेयर दे मे गिरने दो उड़ने दो जो हो रहा है होने दो देखा जाएगा जब होगा तब देखा जाएगा समझ रहे हो अभी हमें काम करने दो अभी हमें सेशन चल रहा है सेशन को चलने दो जो जो मोल रहा है चलने दो उसको ठीक है अगले वाला लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट अब मैं देखो एकदम समझना इमेजिन करो मैं बैठी हूँ इस चेयर पे कोई बोल रहा है क्या कर रहे हो आ जाओ नहीं नहीं पहले यहाँ पे ग्रास उगने दो तो तभी आऊंगी ठीक है मैं एकदम अपने स्टूडियो में बैठी हूँ जहाँ पे कार्पेट लगा हुआ मैं बोल रही हूँ ग्रास उगने दो तो तब आऊंगी मतलब मैं क्या कर रही हूँ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ पर मैं ग्रास उगने का वेट कर रही हूँ ग्रास उगेगी नहीं मैं कुछ करूंगी नहीं यानी आई एम कंप्लीटली आइडल ठीक है उसे बोला जाता है ठीक है अगला वाला लेट योर हेयर डाउन हेयर डाउन बाल बिखर रहे शेवी लुक है आप खिड़की से बाहर देखो सुबह सुबह दूध लाने लोग कैसे जाते हैं एम ही बिना कोम के बिना सजे धजे मतलब सजता जजता कोई नहीं है पर थोड़ा सा अप्रोप्रिएट हुए बिना निकल गए मतलब बिहेव इन इन अन इनहेबिटेडली मतलब बिहेव मैनरली बुरी तरीके से बिहेव करना ठीक है नेक्स्ट हाँ बिल्कुल तहस नहस कर देंगे पर सिलेक्शन लेंगे उसी को लेवल प्लेइंग फील्ड अभी आता है ना लेवल लेवल आया था मतलब बैलेंस करना प्लेइंग फील्ड अगर लेवल्ड है यानी बैलेंस है एक ऐसा खेल का प्ले ग्राउंड जहां पर हर चीज कैसी है इक्वल है बराबर है उसे कहा जाता है अ सिचुएशन इन विच एवरी वन हैज अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग जहाँ पर हर किसी को बराबरी का मौका मिल रहा है सक्सीड करने का सफल होने का नेक्स्ट सिक्स सेवन वन हमारे पास क्या है लाइक अ डाइंग डक इन अंडर स्ट्रॉम अरे ठंडर स्टॉम है देखो मैंने कहा था जो होना है होने दो ये चार्जर चार्ज होते 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 क्या हो गया एकदम टूट गया है पैरों से लग लग के मेरे ठीक है इसे बोलते हैं होने दो जो हो रहा है देखा जाएगा लेट द चिप फॉल एनी वेयर एनी चलिए हेयर के चलते हो आपको चिंता है कोई मिल गया तो कैसा लगेगा सामने वाले को नहीं होगी चिंता नहीं क्या आगे देखो लाइक लाइक फिनिक्स फिनिक्स मतलब क्या है फिनिक्स की तरह फिनिक्स क्या होता है एक ऐसा वर्ड जिसको आप आग भी लगा दो ना उसका जो आग का जो राख बचेगा ना उस राख से भी वो वर्ड फिर से पैदा हो जाता है यानी कि विदा न्यू लाइफ न्यू तरीके से चाहे आप मुझे आग भी लगा दो है ना मैं नहीं रुकने वाली मैं फिर से जन्म लूंगी और फिर से आपको यहाँ पे पढ़ाने आ जाऊंगी ऐसा बोलने के लिए लाइका फिनिक्स का यूज किया जाता है ऊपर का रहेगा लाइका डाइंग डक इन अ थंडर स्ट्रॉ हाँ पिक फ्लाई बिल्कुल सही बोला जब घास उगेगी अगर स्टूडियो में घास उग गई तो मैं काम कर लूंगी ठीक है उसी का वेट करना तो पिक फ्लाई ना पिक कभी उड़ेंगे जब ना ही कभी कोई काम होगा ठीक है ऊपर देखो अरे भाई ब्लैक बुक ही है कहाँ हो आप इस नंबर को देखो ना आपको टेक्स्ट मिलेगा वहां पे ठीक है ये क्या था थंडर में डक डाइंग डक मरने के लिए छोड़ दिया नहीं। बहुत ज्यादा मुश्किल की घड़ी में अकेले रह गए हैं आप डिजेक्टेड रह गए हैं सैड रह गए ग्लूमी रह गए दुखी रह गए ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा हुआ लाइक पुलिंग टीथ पुलिंग टीथ का मतलब दांतों को खींचना अरे कोई नहीं दांत को खींच खींच के तोड़ सकता है एक घुसा मारो टूट जाएगा क्यों खींच के टाइम वेस्ट कर रहे हो उसी को कहते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम होना नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइक टॉकिंग टू ब्रिक वॉल मैं किसी ब्रिक वॉल से बात कर रही हूँ क्या कि मुझे जवाब नहीं मिल रही है समझ रहे हो इसका मतलब सामने वाला कैसा है इनअटेंटिव तो मैं क्या कहूंगी प्लीज लेंड मी योर ईयर ध्यान रखिएगा इस बात को अगला देखेंगे नेक्स्ट जिस जिसने लाइक नहीं करा जल्दी जल्दी क्या करना अरे लाइक तो कर दो दिल से दिल तक पहुंचना तो चाहिए ना हार्ट टू हार्ट टॉक ऐसे ही होता है जल्दी करो अगले वाला लाइक टू पीज इन अ पॉड पॉड क्या होता है ये मटर का जो दाना होता है ना उसके जो कवर होते हैं उसको पॉड कहा जाता है पी पॉड तो पी पॉड में मटर हम दोनों एकदम कैसे हैं एकदम एक ही थाली के चट्टे बट्टे इंग्लिश में क्या कहा जाता है इंग्लिश में कहा जाता है लाइक टू पी पॉड एक ही पॉड के, के दो हैं नेक्स्ट लायंस माउथ क्या होता है शेर के हाँ, मुंह में हाथ डालोगे तो सिचुएशन कैसी होगी डेंजरस कुछ भी हो सकता है ठीक है उसी को बोला जाता है नेक्स्ट में चल रहे हैं अब हम यहां पे से सेवेंटी एट पे सेवेंटी एट पे देखिए क्या है लिटिल बाय लिटिल लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे ग्रेजुअली हो जाएगा आराम से ओके okay? नेक्स्ट क्या है लिव फ्रॉम सॉरी लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ हाथ से मुंह तक खाना जा रहा है उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा मतलब हम लोग सिर्फ उतना ही कमा पा रहे हैं कि बस खाना खा पाए उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं ठीक है है इसी को बोला जाता फ्रॉम हैंड टू टू माउथ हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा कोई परचेसिंग नहीं कुछ खरीदना नहीं कुछ भी नहीं बस सिर्फ कितना कर पा रहे हैं एक ही बस इतना ही कर पा रहे हैं टू लॉक स्टॉक एंड बैरल सब ट्राई कर लेना साम दाम दंड भेद चेफ फॉल वेर दे में है ना तो लॉक स्टॉक एंड बैरल कंप्लीटली पूरी तरीके से हर चीज ट्राई कर लेना उसे बोलते हैं नेक्स्ट क्या है लुक आफ्टर करना किसी की देखभाल करना नेक्स्ट क्या है लुक 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 बिफोर यू लीव लुक बिफोर यू लीव थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर यू डू ठीक है आप कुछ कर रहे हो या करने जा रहे हो उसके सारे परिणाम पहले ही सोच लो कुछ बोल रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा पहले ही सोच लो ठीक है बोलने से पहले सोचो करने से पहले सोचो ये बोल रहा है ये अगला वाला है लुक डाउन अपॉन दूसरे को मीन समझना दूसरे को इन्फीरियर समझना उसे बोला जाता है लुक डाउन अपॉन रिगार्ड समबडी विद कंटेम्प्ट रिगार्ड समबडी विद इंसल्ट दूसरे को तुच्छ समझना जो है हम हैं बाकी सब पानी कम है ये कह रहा है ये लुकडाउन अपन मैं नहीं कह रही हूं ठीक है डोंट टेक इट दैट वे अगले वाला सिक्स एट फोर लुक इन टू क्या होता है भाई इन्वेस्टिगेट पुलिस आती है लुक इन टू द मैटर करती है लुक आउट क्या होता है आई एम लुकिंग आउट प्रॉपरली मतलब मैं बहुत अच्छे से केयरफुल हूँ लुक शार्प क्या होता है एकदम ध्यान देना एक एक चीज पर ध्यान देना नेक्स्ट क्या है लुकिंग फॉर ग्रीनर पेस्टर्स ये आ जाएगा लुकिंग फॉर ग्रीनर पेस्टर्स मतलब क्या है लाइक अ फीलिंग्स फिर से नए तरीके से चीज़ों को देख लेना यानी एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज ग्रीनर पेस्टर्स क्या होता है और ज्यादा हरे चारागा को देखना जहाँ अच्छा चारा मिल सके समझ के उसी को बोलना एक्सप्लोरिंग सर्चिंग न्यू अपॉर्चुनिटी नए नए अवसर तलाशना ठीक है बोलने से पहले सोचेंगे तो करेंगे कब पहले सोचो फिर बोलो फिर करो ये स्टेप होता है करने का किसी भी काम को नेक्स्ट यह है लूज फेस। लूज फेस फेस हो गया मतलब उसका तो मुंह ही उतर गया है उतर गया है वो अब मैं हिंदी में कहते उतर गया इंग्लिश में बोला खो गया है खो गया है यानी खो खोड़ा खोया नहीं कि कोई ढूंढ के लाएगा उतर गया मुंह उतर गया यानी कि उसका मुंह उतर गया यानी कि उसको बहुत ही बुरा लगा है उसके बारे में ठीक है नेक्स्ट लूज योर हैड एक था हैव यानी कि Have head का मतलब काम रहना एक था कि टू लेवल योर हेड यानी हेड को बैलेंस रखना अब आया है लूज योर हेड हेड को खो देना दिमाग ही नहीं है काम कैसे करोगे यानी कि अपना सेल्फ कंट्रोल तो गया दिमाग ही नहीं कैसे काम होगा ठीक है लॉकडाउन लॉकडाउन लग रहा है अरे कितना लॉकडाउन पे ध्यान दिया है कि लॉकडाउन में इनको लॉकडाउन लग रहा है जैसे कि जैसे कि है ना वो रहता है जो एक होता है आई एम जस्ट एनिमल्स होते हैं ना दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए हाँ यहाँ पे हम आ गए हैं मैड एज अटर इतना मैड जैसे कि हैटर हो हैटर क्या होता है सन की व्यक्ति क्या होता है सन की व्यक्ति जो अपनी सनक जिसको सवार है अपनी धुन में ही चल रहा है किसी की सुनेगा नहीं किसी की समझेगा नहीं उसे बोलता है Hey? नेक्स्ट है मुझे वो बात बतानी प्लीज बताइए एक होता है वायरस एक होता है वायरस ठीक है तो जब भी वायरस आता है तो हम उसे कर, पढ़ते हैं कोरोना वायरस इतना पढ़ लिया है उसको नेक्स्ट ट्वेल्व हंड्रेड कुछ है ट्वेल्व हंड्रेड सेवेंटी टू कुछ ऐसा है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट क्लीन ब्रेस्ट होना मतलब अपने दिल की बात सामने लाके के यस yes, कार्निवरस अच्छा कैट बोलते हैं वेरी गुड एजाज ने बता दिया कैट बोलते हैं जैसे ही कार्नि सामने आता है ना कार्नि को हम क्या पढ़ते हैं हमेशा कोरोना वायरस होता है ही बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं न्यूज में भी कार्निवरस बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है समझ में कोरोना वायरस ही आता है इसीलिए लॉकडाउन लॉकडाउन में कंफ्यूज हो गए आप नेक्स्ट मेक अ क्लीन ब्रेस्ट अपने दिल की बात खोल के किसी के सामने रख देना क्लीन ब्रेस्ट होता है ठीक है यानी कि कन्फ्यूज विदाउट रिजर्व अपने मन में कुछ नहीं रखना रिजर्व नहीं होना रोकना नहीं किसी चीज को उसे बोलते हैं आज कितने होंगे मोस्ट प्रोबेबली एट हंड्रेड हम लोग करेंगे नेक्स्ट है मेड लाइट ऑफ किसी चीज को बहुत ही हल्के में लेना मेड लाइट ऑफ उसे कहा जाता है मेड ऑफ विद चोरी किए गए सामान के साथ भाग जाना रन अवे विद वट एवर योर स्टोल जो भी चुराया है उसको ठीक है मेड आउट ऑफ होल क्लोथ जैसे कि कोई बोले ना अरे मतलब जनरली क्या होता है आपने कोई भी ड्रेस पहना है तो कपड़े को काटा जाता है कभी बोलता नहीं नहीं इसमें कपड़े को काटा कि नहीं पूरे के पूरे कपड़े से बना दिया मतलब क्या फेक है फर्जी व्यक्ति है ठीक है

डेंट इन डेंट बना देना ठीक है डेंट कर दिया है यानी आपने क्या कर दिया है प्राइस को लो कर दिया जनरली कार वगैरह में डेंट पड़ जाता है ठीक है uh, रुक जाओ भी रहने दो डेंट पड़ जाता है कार वग़ैरह में तो इसका मतलब क्या है उसमें कोई ना कोई निशान पड़ जाता है लेकिन अगर डेंट कर दिया आपने तो आपने पैसों को कम कर दिया है ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहा है मेक फुल ऑफ वन सेल्फ खुद को ही फूल बना देना यानी स्टूपिट बन जाना कई बार कई बार हो जाए हम बेवकूफ बन जाते हैं उसे बोला जाता है नेक्स्ट क्या है मेकअप फॉर्च्यून मेकअप फॉर्च्यून मतलब अचानक से कुछ मिल गया और आपका फॉर्च्यून बन गया किस्मत चमक गई इसे क्या बोलते हैं टू बिकम रिच सेवन हंड्रेड यहाँ पे खत्म हो गए सेवन हंड्रेड वन यहाँ पे से हम लोग शुरू कर रहे हैं ठीक है जस्ट अ मिनट तुरंत से स्टार्ट कर देते हैं आगे आगे मेक ऑफ ऑफ मतलब क्या होता है किसी नो सीरियस आउटकम मतलब क्या होता है मजाक ही बन के रह गया कोई बहुत आपने काम किया और उसका क्या बन गया मजाक बन के रह गया कुछ हुआ नहीं मजाक बनाना होता है वैसे मौकरी बनाना यानी मजाक बनाना होता है उसी को कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्या है हाँ एट हंड्रेड करेंगे ठीक है एट हंड्रेड ही करेंगे नेक्स्ट है मेक अ सीन मेक अ सीन क्या होता है जैसे क्रिएट अ सीन इट इज अ कॉमन डायलॉग क्रिएट अ सीन का मतलब क्या होता है क्रिएट अ सीन का मतलब क्या होता है कि आप पब्लिकली किसी को पिच ला रहे हो या अपने इमोशंस को रो रहे हो किसी के सामने बहुत बुरी तरीके से खूब ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस दे रहे हो खूब ज्यादा ही खुश हो गए तो लोग अट्रैक्ट हो जाते एकदम देखने लग जाते हैं तो पब्लिकली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना क्रिएट अ सीन होता है या मेक अ सीन होता है ठीक है चले इसी के साथ 702 हमारा खत्म होता है 703 पे हम लोग चल रहे हैं 703 क्या कहता है मेक एन एस आउट ऑफ ठीक है मेक एन एस आउट ऑफ समथिंग यानी कुछ ऐसा करना कुछ ऐसा करना कि कि दूसरा इंसान कैसा दिखाई दे फुलिश बेवकूफ दिखाई दे ठीक है कुछ ऐसा करना नेक्स्ट क्या होता है मेक अवे विद अभी आ गया था ना टू रिमूव और स्टील मतलब रन अवे विद होता है मेक अवे विद मेक बिलीफ मेक बिलीफ क्या होता है विश्वास नहीं किसी को जबरदस्ती का विश्वास दिलाना प्रिटेंड करना कि आप खुश हैं यू यू आर मेकिंग देम बिलीव राइट उसे बोला जाता जाता है 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 नेक्स्ट मेक माय माउथ माउथ वाटर वाटर में कब आ जब आपके सामने एकदम एकदम टेस्टी गो, आ, ये गोलगप्पे रखे हो और आपको बस ऐसे बोल दे आप ऐसे ही रहेंगे और एक एक करके कोई बहुत अच्छे किसी में चटनी डाल के खा रहा है हरी चटनी रेड चटनी और बहुत अच्छा सा उसका स्पाइसी सा पानी और लोग जो खा रहे हैं वो भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं तो वॉट यू विल फील उथ विल वॉटर समझ के उसे बोला जाता है मेक माई माउथ वॉटर का मतलब लालच फील होना कोई सामने चीज कैसी है टेस्टी और एपरटाइजिंग होनाडवे no देखो हेडवे क्या होता है प्रोग्रेस कोई हेडवे नहीं कोई प्रोग्रेस नहीं मेक हेडवे प्रोग्रेस मेक नो हेडवे नो प्रोग्रेस ठीक है नेक्स्ट मेक ऑफ विद आ गया था टू रन अवे चोरी की गई चीजों के साथ भाग जाना बार बार क्यों आ रही है मेक वंस फ्लैश क्रीप किसी के फ्लैश को क्रीप कर देना मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है मतलब होता है किसी को एकदम इस तरीके से डरा देना कि अंदर तक कांप जाए कई लोग हैं एकदम अंदर तक डर लग गया मुझे मतलब क्या होता है उसका फ्लैश भी एकदम डरने लग जाए अंदर से इसको कहा जाता है नेक्स्ट मेक वंस मार्क देखो मेक वंस मार्क क्या होता अपनी पहचान बनाना है ना खुद को भीड़ से अलग साबित करना डिस्टिंग मेक रूम किसी को मेक रूम करना या किसी को गिव रूम देना यानी किसी को गिव रिलेशनशिप में भी वी शुड गिव रूम टू इच अदर दो एक दोनों दूसरे को स्पेस देना चाहिए उसे बोला जाता है ठीक है अगला क्या लिखा मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग मतलब तुरंत तुरंत से खत्म करने की कोशिश करना फटाफट करना ठीक है जिस जिस को गोलगप्पे अच्छे लग रहे हैं यार एकदम से टेम्प्ट मन में आया जैसे मेरे मन में तो तुरंत से इमेजिन हो जाता है सामने इतनी सारे गोलगप्पे रखे हो अगर आपके भी मन में ऐसा होता है तो हम कर सकते हैं सेशन को अगर लाइक नहीं गया तो कर भी सकते हैं आप ठीक है चलिए आगे क्या लिखा हुआ है मेकिंग है वाइल्ड द सन शाइन्स जब तक सूरज चमक रहा है तब तक खुशियां मना लो जब तक अपॉर्चुनिटी सामने है उसका फायदा उठा लो समझ के देखो making advantage of a face. जैसे यहाँ पे कर रहे हैं कुछ लोग आप मैसेज देखें समझ जाएंगे है ना कुछ लोग कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी है नहीं लेकिन तलाश के फायदा उठाने में लोग लगे रहते हैं उसी को कहते हैं मेक हे व्हाइल द सन शाइन होप यू अंडरस्टैंड अगर कर गए तो एक अच्छा सा स्माइली कर दीजिएगा यहाँ पे मीली माउथेड मीली माउथेड कौन होता है कौन होता है मीली माउटेड बताओ अनविलिंग टू स्टेट समथिंग मूव बंद करके रखना हमें नहीं बताना कुछ भी, मिली माउथेड है यानी शाय है यानी एकदम चुप रहने वाला व्यक्ति रिजर्व रहने वाला व्यक्ति ठीक है नेक्स्ट मेजर मेजर अप अप करना जैसे ट्रेन क्या होती है है लेट 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 होते जाती है, लेकिन जैसे ही देर रात होती है रात में पूरा मेकअप कर लेती है, सब सो रहे हो ट्रेन एकदम स्पीड में भागे जा रही भागे जा रही और पता चलता है जिस स्टेशन पे छह घंटे लेट पहुंचने वाली थी वहां बिल्कुल टाइम से है, पहुंची पहुंची उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं मेजर अप मेक अप रीच द लेवल स्टैंडर्ड पे आ जाना देखो यहाँ पे खूब लोग मुस्कुरा रहे हैं समझ में आ गया है यहाँ पे कि क्या मैं कहना चाह रही हूं ठीक है चलिए वेरी गुड समझ गए ना मौके का फायदा उठाना मौका मिलते ही चौका मारना उसी को कहते हैं मेक हे वाइल्ड द सन शाइन ओके अगला वाला मेंड योर वेज इंप्रूव वंस बिहेवियर क्या होता है रिपेयर करना अपने तरीके को रिपेयर कर रहे हैं यानी अपने आप को सुधारना है. exactly सब पता चल जाता है एक एक मैसेज नेक्स्ट मींस मैटर मींस यानी क्या होता है Mince यानी होता है मिक्स अगर किसी चीज को आप मिन्स कर रहे हैं उलझा रहे हैं जबरदस्ती मैटर को उलझाए जा रहे हैं टू कंफ्यूज इश्यूज अरे क्या है डोंट स्टॉप द मैटर्स एक एक बार में एक ही बात है ना उसे बोलते हैं तो इफ यू आर मिनसिंग द मैटर्स यू आर मिक्सिंग द मैटर्स यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन ठीक है मैटर्स माइंड लैंग्वेज कई लोगों को मुझे कहना पड़ता है जब वो अपनी भाषा को अभद्रता लाते हैं तो अभद्रता लाना मतलब क्या होता है उसे कहना पड़ता है प्लीज विनम्रता से चुप हो जाइए ये ढंग से बोलिए माइंड योर लैंग्वेज माउथ वाटरिंग आ गया है फिर से गोलगप्पे एक सामने फिर से तो जिसको समझ में आ गया है वो यहाँ पे फिर से एक बार माउथ वाटरिंग के लिए थम्स अप कर सकते हैं अगला हमारे सामने आ गया 720 मूव हेवन एंड अर्थ जमीन आसमान एक कर देना क्या होता है भाई जमीन आसमान एक कर देना क्या होता है बताओ बताओ जमीन आसमान एक करने का मतलब होता है ट्राई ट्राई एवरी एफर्ट आया था ना अभी लेट द चिप चिप्स फॉल वेर एवर दे में जहाँ उनको फैलना फैलने दो मेरे को मेरा काम करने दो उसी बोलते हैं हर चीज हर चीज को जमी, जमीन जमीन आसमान एक कर देना उसी को कहते हैं मूव heaven एंड अर्थ एग्जैक्टली दो दिल मिल रहे हैं लेकिन चुपके चुपके अभी तक इतनी बात नहीं पहुंची है तो आप एग्जैजरेट करके तिल का तार ना बनाएं ठीक है टी इन स्टॉम सॉरी स्टॉम इन कप मत करें भाई प्लीज ओके okay? अगले वाला मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड कोल्ड ब्लड में मर्डर हो गया बिना किसी फीलिंग के हत्या कर दी गई उसे कहा जाता है मतलब विदाउट एनी इमोशन ठीक है अगले वाला अरे रोज होगी सैटरडे को अलग शेड्यूल होता है नेल योर कलर्स नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट आपके नेल्स को कलर कर लीजिए ताकि पता चल जाए आपको कौन से कलर्स पसंद है समझ गए नेल पे पेंट लगा लो ताकि सबको पता चल जाए समझ रहे हैं उसे कहा जाता है टू मेक इट योर ऑबियस वो प्लान आपके प्लान क्या है आपके इरादे क्या है वो सामने आ जाए अपने 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 नेल्स को को कलर कर लो मतलब आप अपने, अपने उजागर कर लो ठीक है उसे कहा जाता है नेक्स्ट है नेल बाइटिंग नेल बाइटिंग कौन करता है जिसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है मतलब बैठा हुआ है कोने में और नेल चबा रहा है ध्यान ही नहीं कि नेल्स खा रहा है यानी कि उसके मन में कुछ चल रहा है सस्पेंसफुल है उसको ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट के लिए हमारा 723 यहाँ पे खत्म हो चुका है 724 ठीक है 724 क्या है निदर फिश नॉर फाउल ना तो फिश मिला ना फाउल मतलब क्या होता है मतलब क्या बोन ऑफ कंटेंशन सुना है कि नहीं सुना है सुना है कि नहीं सुना है बोन ऑफ कंटेंशन गले की हड्डी ना तो निगली जा रही है ना ही निकाली जा रही है ये तो फसाद की जड़ हो गई है एकदम है ना बोन ऑफ कंटेंशन उसे कहते हैं मतलब किसे कहते हैं समथिंग विच कैन नीदर बी कैटेगराइज ना तो इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो ना ही इसको आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो उसे कहते हैं नीदर फिश नॉर फाउल ठीक है नेक्स्ट नेवर नेवर लैंड लिखा हुआ नेवर नेवर लैंड मतलब क्या होता है अरे वो जगह जो एक्चुअल में है ही नहीं इट इज अ नेवर 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 लैंड कभी नहीं होगी ये जगह क्यों क्यों माने क्या होता है एन इमेजिनरी प्लेस ये तो है ही नहीं ये है ही नहीं ये जगह है ही नहीं काल्पनिक है समझ गए यूटोपिया क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ यूटोपिया इज अ वेरी फेमस प्लेस ठीक है जो कि जो कि जो कि एक इमेजिनरी सिटी है और गिवन बाय द राइटर्स राइटर्स क्या करते थे एक ऐसी अपने पोइट्री में मतलब मैंने खूब पोइट्री पढ़ा जहाँ पे इसका नाम है यूटोपिया लिखा गया है यूटोपिया वो जगह जहाँ पे खूब खुशियाँ ही खुशियाँ गम नहीं है कोई तकलीफ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई समस्या नहीं तो ऐसी जगह होती है क्या भाई नहीं होती है तो इसीलिए बोला नेवर इज यूटोपिया जहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम हो ठीक है जो कभी नहीं हो सकता नेक्स्ट लिखा हुआ है न्यू किड ऑन द ब्लॉक न्यू किड ऑन द ब्लॉक ऑफिस में कोई नया है तो वो न्यू किड हो जाता है क्लास में कोई नया है तो वो न्यू किड हो जाता है आपके कोचिंग क्लास में कोई नया तो न्यू किड हो जाता है जहां पे भी पार्टी में कोई नया हो जाए तो वो न्यू किड हो जाता है यानी कि न्यू कमर मर नेक्स्ट नाइन डेज वंडर नाइन डेज वंडर को हिंदी में कहते हैं चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात नहीं लाइक किया ना अभी तक आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है ना डेफिनेटली नहीं किया करके दिखाओ जिसने नहीं किया नाइन डेज वंडर मतलब क्या होता है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मतलब अ शॉर्ट ऑफ नो रियल वैल्यू इतनी चमक रही थी वो चीज लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही सब साफ मतलब वो सिर्फ फिजूल था यूं शो था था कुछ नहीं उसको ठीक है हाँ एलडोडो लाइक राइट एक्जैक्टली एल्डो भी वही होता है इमेजिनरी दैट इज नॉट एक्चुअली देयर सिर्फ राइटर्स ने ही बोल दिया है उसको ठीक है चलिए

है ना तो जब आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे काम करोगे यूज टू रिफ्यूज आर रिक्वेस्ट टू इंडिकेट दैट देर इज नो चांस ऑफ सक्सेस इसमें कोई चांस नहीं है सक्सेस होने का ठीक है नेक्स्ट नो इफ्स एंड वर्ड्स आई डोंट वॉन्ट एनी इफ्स एंड वर्ड्स फ्रॉम यू सीधे सीधे क्या करना है आपको हर चीज पूछ लेनी है पूछना है पूछ लो बाद में कोई इफ्स एंड वर्ड्स नहीं होना चाहिए नहीं. कोई डाउट नहीं रखना चाहिए आपको अपने अंदर हाँ पासा इसको हिंदी में कहते हैं लूडो में जो होता है नो लव लॉस्ट बिटवीन तुम्हारे और मेरे बीच में कोई लव लॉस्ट नहीं हुआ यानी यानी हम कभी भी गुड टर्म्स में नहीं रहे अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं हम किसी और की बात कर रहे हैं ठीक है किसी और की बात करें नो लव लॉस बिटवीन क्या होता है मतलब कि लव लॉस बिटवीन हुआ यानी रिलेशनशिप हुआ यानी मिले हम बात करी हमने लेकिन नो लव लॉस मतलब हम कभी भी गुड टर्म्स में नहीं रहे कोई हमारा फ्रेंडली रिलेशन नहीं बना ठीक है नेक्स्ट नो स्ट्रिंग अटैच नो स्ट्रिंग अटैच मतलब इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है कोई स्ट्रिंग नहीं है कि मतलब जो ना

कैंडल hold, hold मतलब क्या होता है इनफीरियर ये इट डज नॉट जैसे होल्ड वाटर होता है ना इंपॉर्टेंट इट डज नॉट होल्ड अ कैंडल मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कैंडल को अरे इसे मत दो कैंडल पकड़ने के लिए लायक नहीं है ये लायक नहीं है मतलब ये ये कैसा है ये इनफीरियर है ये लायक नहीं है ये ठीक नहीं, नहीं है इस काम के लिए ये बंदा ठीक नहीं है उसे कहा जाता है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल नेक्स्ट पे चलेंगे थर्टी टू यहाँ पे खत्म होता है थर्टी थ्री थर्टी थ्री देखिए क्या कह रहा है थर्टी की अरे यही वही आ गया होल्ड वाटर होल्ड वाटर मतलब क्या होता है अगर कोई चीज होल्ड वाटर करती है तो वो इंपॉर्टेंट है, है ना और अगर कोई चीज नॉट होल्ड वाटर कर रही है इसका मतलब क्या हो गया जस्ट अ सेकेंड गाइज हम्म ठीक है अब नॉट होल्ड वाटर मतलब क्या होता है it is not at all valuable it is not at all important it is not at all reasonable ठीक है? next kya likha hua not means means abhi bataya tha means the matter yani mix karna right or not means matlab स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कहना सीधी बात नो बकवास ओके दैट इज नॉट मींस अगले वाला नो लव लॉस्ट अरे ये तो आ गया था नो स्ट्रिंग अटैच ये भी तो आ गया था मैं दोबारा लेके इस पेज को यस नेक्स्ट इट इज नॉट योर कप ऑफ टी ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बियॉन्ड समीज कैपेसिटी ठीक है नॉट वंस चॉइस और प्रफरेंस उसकी चॉइस या उसकी प्रेफरेंस नहीं होना उसके बस की बात ना होना उसे कहा जाता है नॉट वंस कप ऑफ टी नेक्स्ट नॉट सी आई टू आई आई टू आई देखना यानी किसी से अग्री होना नॉट सी आई टू आई मतलब डिफरेंट ओपिनियन रखना या डिसअग्री होना ठीक है डिसग्री होना लव यू बट एज अ फ्रेंड मैम मीन्स क्या होता है अच्छा अच्छा मुझे नहीं पता है इसके बारे में अगर आपको पता है आप बताइए वॉट इज द डिफ मीनिंग ऑफ दिस लव यू एज अ फ्रेंड मुझे नहीं पता नेक्स्ट नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को सभी को ध्यान देना चाहिए आपको नहीं देखना है गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मतलब गिफ्ट किए हुए चीज जो है ना आप जैसा भी गिफ्ट तो गिफ्ट होता है जस्ट एक्सेप्ट दैट ठीक है गिफ्ट अगर आपके पास आ गया तो उसमें मीन में एक निकालते हैं ना कई लोग शादी में एनवलप आता है एनवलप नहीं ऑनवलप ऑनवलप आता है और ऑनवलप के अंदर जो राशि दी जाती है उस राशि को देख के लोग

तो मीन मैक निकालना गिफ्ट की गई चीजों पे उसे बोला जाता है टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ ठीक है अगला वाला क्या है नॉट टू मीन मैटर्स आ चुका है ये है ना नथिंग डूइंग आई एम डूइंग नथिंग मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है नॉट अ चांस कोई मौका नहीं मिला नाउ एन अगैन अक्सर ओकेजनली के लिए आता है ठीक है ओकेजनली के लिए आता है नल इट क्या होता है सीरे से नकार देना एकदम खत्म कर देना थ्री सेवन का राइट right एग्जाम्पल है ना जो हमारा आर्टिकल थ्री सेवन हो गया मतलब मतलब वो हो गया मतलब उसकी वैल्यू अब खत्म हो गई ऑफ नो अवेल ऑफ नो नो अवेल अवेल मतलब काम का है ले लो ले लो अवेल कर लो इस्तेमाल कर लो ठीक है यूजलेस नोट के बंदर बच रहे हैं लोगों के अच्छा सेवन फोर्टी फाइव है एट हंड्रेड तक करेंगे 30 minutes maximum. ठीक है the first water. देखो अगर आप जाते हैं स्विमिंग uh, पूल में है ना तो स्विमिंग पूल में आ, अगर आपने एकदम स्विमिंग पूल अभी अभी क्लीन हुआ है एकदम अच्छे ऑफ द फर्स्ट वाटर है ना यानी कि एकदम साफ सुथरा है तो आपको कोई परेशानी नहीं है लेकिन अगर आप जा रहे हैं जब एक खेप ऑलरेडी वहां जा चुकी तो कितना प्रदूषण फैल चुका है पोल्यूशन हो चुका अच्छा वाला गंदगी फैल चुकी नाउ यू हैव टू यूज द सेकंड वाटर समझ रहे हो जो समझ गए वो थम्स अप कर सकते हैं समझ गए तो ऑफ द फर्स्ट वाटर एनी बेस्ट क्वालिटी के लिए होता है ऑफ एंड ऑन ओकेजनली नाउ एंड अगेन ओकेजनली एकदम सेम है 740 और 744 नेक्स्ट हमारा क्या है ऑफ द कप ऑफ द कप क्या होता है

हुक से हट चुके हुक पे जब तक आप टंगे हुए थे तब तक आप प्रॉब्लम में थे समस्या में थे आप अब हुक से अलग हो चुके हैं यानी कोई प्रॉब्लम कोई समस्या अब आप लोगों की नहीं है समझ गए यू आर नॉट इन डिफिकल्टी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड है मतलब इट इज आपने जो जो बोला उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया इसलिए खुश रहिए कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है समस्या होती है उनका वीडियो बाहर आ जाता है तो समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही हूँ तो ऑफ द रिकॉर्ड ठीक है मतलब ये बाहर नहीं आया है है ठीक अच्छा अमित पंडित ऐसे मत बोलो मैंने बहुत पोलाइटली बात की है मैंने उन्हें बताया टंग ऑयली टंग का मतलब क्या होता है जैसे कि

ओल्ड हैंड ओल्ड हैंड मतलब पुराना हाथ है नहीं नहीं नया हाथ मेरा खराब हो गया इसलिए मैंने पुराना निकाला इसका ये मतलब नहीं बेटा जी ओल्ड हैंड हूं मतलब खूब एक्सपीरियंस है मुझे खूब मेरे को ज्ञान है खूब एक्सपर्ट हूं खूब मेरे को क्या है नॉलेज है तो ओल्ड हैंड मतलब एक्सपीरियंस होना ओल्ड हैंड ऑन यंग शोल्डर्स शोल्डर से आप काफी यंग दिखाई देते हैं पर आप हेड से ओल्ड दिखाई देते हैं मतलब एक एकदम इनोसेंट सा young सा यंग बच्चा जिसमें बहुत ज्यादा है उसको बोला जाता है हाँ जी हाँ जी यूट्यूब पे ही रहेगी वाली क्लास ठीक है तो टू बी वाइज बियॉन्ड इज इयर्स कुछ ज्यादा ही मेच्योर होना है ना मेच्योर होना सेंसिबल होना अपनी एज से कुछ ज्यादा ही मेच्योर होना उसे कहा जाता है ठीक है एक एक सेशन आ चुका है मैं उसका लिंक यहाँ पे लगा दूंगी आफ्टर दिस क्लास उसमें वो आप लोगों को आ, आप लोगों को वो मिल जाएगा ठीक है वैसे ट्यूसडे को आया था आप चाहे तो मैथ्स और इंग्लिश एक साथ जिस दिन आई थी ना उसमें प्रेयर ही कर सकते हैं कि वो चीज जो है वो ठीक हो जाए ठीक है विद ओनली स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस नहीं 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 कम उम्र में जिम्मेदारी लेना गलत बात है मतलब ऐसे नहीं है ये इसका गलत मीनिंग है कम रूम में ज्यादा समझदार होना उसे कहा जाता है है ना उसे कहा जाता है ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स ठीक है मैं डेली लाइव आती हूँ सुबह में साढ़े नौ बजे ऑन अकाउंट ऑफ क्या होता है ऑन अकाउंट ऑफ होता है के कारण ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली इट इज अ हॉलीडे टुडे तो दिवाली होने के कारण आज छुट्टी है के कारण बिकॉज ऑफ ओइंग टू एक्सेट्रा ये सारे होते हैं नेक्स्ट क्या है ऑन ऑल हैंड्स ऑल हैंड्स है ना अभी आता अप एंड डाउन एवरीवेयर हर जगह है सबको पता चल गया इसके बारे में हर जगह ठीक है नेक्स्ट क्या है ऑन गुड टर्म्स गुड टर्म्स में होना यानी फ्रेंडली होना वॉज नहीं फ्रेंडली होना वी आर ऑन गुड टर्म्स वी आर फ्रेंडली ठीक है नेक्स्ट क्या है ऑन वंस गार्ड किसी के गार्ड पे होना यानी कि अपना मतलब अपने आप को ध्यान में रखना ठीक है वंस गार्ड का मतलब क्या होता है केयरफुल होना बहुत ज्यादा वंस लास्ट लेग्स आया था कब्र में पैर लटक रहे आया था ना ठीक है उसी को बोला जाता नियर टू डेथ ऑन शैंक्स मेयर आई एम गोइंग ऑन शैंक्स मेयर मतलब मैं पैदल पैदल चल रही हूँ ठीक है एडजेक्टिव के बाद पुरल नाउन आता है तो देयर कार इज ब्यूटिफुल में कार तो सिंगुलर है दे, अरे देयर कार मतलब ये देयर किसके लिए आया है देयर कार में कार तो हमारा सिंगुलर है ठीक है ये अलग है देयर किसके लिए है इसके लिए थोड़ी आया देयर तो किसी और के लिए आया है प्रो ये किसके लिए आया है एडजेक्टिव uh, कोई और नाउन है उसके लिए आया बहुत सारे लोगों की कार है वो खूबसूरत है ठीक है ये कन्फ्यूजन मत हो एकदम सही है ये सही है क्योंकि देयर एडजेक्टिव किसी और के लिए आया कार के लिए नहीं आया नेक्स्ट ऑन टेंटर हुक्स टेंटर हुक्स में होना जब आपके रिजल्ट आने वाला होता है तो आप टेंटर हुक्स में होते हैं चिंता भी हो रही है थोड़ी सी यू नो कंफ्यूजन भी हो रही है थोड़ा सस्पेंस भी हो रहा है समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं उसे कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पे 58 हमारा खत्म हो चुका है अब हम लोग आएंगे फिफ्टी पे जो लोग अभी लगातार मेरे साथ बने हुए एक बार थम्स अप कर दीजिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए जो लोग पहली बार चैनल पर आ गए प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर होता है डिजास्टर के मोड पे होना एकदम इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है वेरी क्लोज टू फेलियर डिजास्टर के बहुत करीब होना डिजास्टर के बहुत करीब होना मतलब अब आपका आपकी असफलता तय है है ना मरना तय है मतलब ये हो गया अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ठीक है मिस क्या होता है देखो एंथ्रोप क्या होता है पीपल लोगों को प्यार करने वाला नहीं है ना एक होता है मिस मिस मतलब क्या होता है डिसलाइक करना तो मिस मिस एंथ्रोफिस डिसलाइक करने वाला लोगों को नेक्स्ट ऑन द कफ होना ऑन द कफ होना यानी ऑन क्रेडिट होना ऑन द डबल होना डबल हो जाना यानी स्पीड बढ़ा लेना फास्ट पेस से काम कर लेना उसे बोला जाता है ठीक है ऑन द फेस ऑफ इट on the face of it मतलब व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस फेस पे तो कुछ और ही है जिसे कह लो होता है प्रटेंशियस तो ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ऊपर तो कुछ और दिख रहा है अंदर क्या है हमें नहीं पता तो ऑन द फेस ऑफ इट व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस ऊपर क्या दिखाई दे रहा है वही होगा ठीक है लॉन्ग सेशन में पीडीएफ डालते हैं पैसे के लिए अगर आपको ऐसा है तो आप मत लीजिए ठीक है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था ऐप में विदाउट मनी नहीं होता हमने पहले वन रुपी भी रखा था वहां पे, पर वो वन रुपी में नहीं चल रहा था फिर हमने जो मै, जो सबसे मिनिमम था लोअर मिनिमम दैट वाज फाइव तो हमने फाइव रुपीज में रखा और वो सिर्फ आप लोगों के लिए कितना हमेशा रहे इसलिए ऐप में टेलीग्राम तो हमारा थ्री बार हाक हो चुका है आप लोगों को पता है एनी वे वापस आते हैं ऑन द लेवल लेवल में है एकदम बैलेंस्ड है कोई ऊपर नीचे नहीं यानी कि ऑनेस्ट बंदा ऑन द सेम पेज ऑन द सेम पेज होना मतलब क्या होता है जो मेरी ओपिनियन है वही आपकी है यानी कि वी ड्रू अग्री अंडरस्टैंड अदर सेम सिचुएशन में होना भी होता है ऑन द सेम पेज ऑन द सेम बोट होता है ना उसी तरीके से नेक्स्ट ऑन द द स्पर ऑफ मोवमेंट तुरंत इमीडिएटली काम करना इधर बोला इधर काम हुआ उसे बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोवमेंट ठीक है नेक्स्ट

एकदम डिजास्टर के करीब होना अपने प्रॉब्लम के मुसीबत के करीब होना यानी कि डिफिकल्टी आने वाली है आपके सामने ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ सिक्सटी भैया ये देख लीजिए भाई बहुत आराम से 60 क्या होता है सिक्स जीरो एज है सिक्स जीरो सिक्स जीरो के इधर हैं तो आप फिफ्टी नाइन फिफ्टी एट पर मतलब अभी तो आप जवान हैं राइट लेकिन जैसे ही आप आ जाते हैं ऑन द रोंग साइड ऑफ सिक्सटी आपकी उम्र बढ़ रही है समस्याएं बढ़ रही हैं समझ रहे हैं उसे बोला जाता है टू बी ओल्डर देन सिक्सटी ऑन द रोंग साइड ऑफ सिक्सटी मतलब उम्र आपकी अब रही है अगले वाला नाइस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं uh, एक वो आया था से होना ठीक है है उसी के लिए on thin ice है कि एकदम डिफिकल्टी में, 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 में होना उसे बोला जाता है ठीक है अगले वाला सेवनटी वन वंस एंड फॉर ऑल वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता सभी के लिए भैया फाइनली हाँ रेडार पे होना तलवार लटकना ऊपर उसे बोलते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाई वंस बिटन ट्वाइस शाई का मतलब क्या है दूध का चला छाछ भी फुक फुक कर पीता है कहीं छाछ से जवान ना जल जाए है ना एक बार अगर उसको काट लिया गया तो दो बार एकदम रिजर्व होके देखता है ठीक है एंड अनप्लेजंट एक्सपीरियंस इंड्यूस

एक बार जब ब्लू मून आया था है ना तब हम मिले थे बहुत ही रेयरली ईद का चांद इसी को कहा जाता है ठीक अरे देर के बाद प्लूरल आई ये जरूरी नहीं है प्लूरल सिंगुलर दोनों आ सकता है दोनों आ सकता है देयर कार देयर कार मतलब उन लोगों की एक ही कार है ये भी तो हो सकता है देयर बसेस जरूरी है क्या देयर बस डिड नॉट कम उनकी बस अभी तक नहीं है तो बस में तो चौपन लोग बैठते हैं पर बस तो एक ही होती है दोनों आ सकता है ठीक है नेक्स्ट वन ट्रैक माइंड थिंग एक बंदा है जो दिन भर सोते जागते उठते बैठते एक ही बारे में सोचता है दिमाग को आप कुछ भी दे दो वो नहीं चलेगा उसको आप कोई भी बात कर दो वो सिर्फ घुमा फिरा के एकदम चाहे इधर से कान पकड़ के चाहे इधर से कान पकड़ के वो उधर ही चले जाएगा तो उसका माइंड कैसा है वन ट्रैक माइंड है हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचता रहता है आउट एंड आउट क्या होता है टोटली totally होता है आउट एंड आउट इज वंस एंड फॉर ऑल सभी के लिए या टोटली ठीक है अगले वाली 75 यहां पे हो गए लास्ट रह गए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो थाउजेंड भी नहीं पहुंचाया आपने गलत बात नहीं है ये नेक्स्ट क्या कह रहा है आउट एट द एल्बोज मतलब कपड़ों में से क्या हो रहा है एल्बोज नजर आ रही है आउट एट द एल्बोज एल्बोज बाहर है इसका मतलब क्या होता है वेरी पुअर कंडीशन ठीक है

आउट ऑफ माई वर्ड से अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलू क्या नहीं बोलू तो आई एम आउट ऑफ माई वर्जी आई एम कम्प्लीटली कंफ्यूज आउट ऑफ प्रिंट बुक जो है वो क्या है है आउट ऑफ प्रिंट मतलब अब पब्लिशर बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर अब पब्लिशर के पास भी वो नहीं मिलेगी ठीक है क्या पूछ रहे हैं डेटा प्लूरल होता है और डेटा के साथ इज और आर दोनों यूज किया जाता है ये भी ध्यान रखिए नेक्स्ट है आउट ऑफ सॉर्ट्स आउट ऑफ सॉर्ट्स होना यानी कन्फ्यूज होना भी होता है आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अब मुझे कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है ठीक है तो आउट ऑफ सॉर्ट्स आउट ऑफ माई विट्स उसी को बोला जाता है आउट ऑफ द क्वेश्चन इट इज रियली आउट ऑफ द क्वेश्चन हाउ कैन यू से इवन दैट इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है ठीक है नेक्स्ट 83 हो गया है लास्ट 17 बचा है ये रहा 84, 84 हो गया है यहां पर सभी एग्जाम के लिए है दुनिया भर के उन सारे तमाम एग्जाम के लिए जिनमें इंग्लिश आती है ओके आउट ऑफ द वर्ड्स आप आउट ऑफ द हुक्स हो या आप आउट ऑफ द वुड्स हो जंगल में जब तक थे तब तक तो परेशानी थी कि पता नहीं ये रास्ता कहाँ निकलेगा कहीं शेर चीते मुझे खा तो नहीं जाएंगे कहीं रॉबर्स मुझे पकड़ तो नहीं लेंगे लेकिन वंस आई एम आउट ऑफ द वुड्स आई एम नो लॉन्गर इन ट्रबल मैं ट्रबल से परेशानी से समस्या से बाहर आ चुकी हूं नेक्स्ट क्या है आई एम आउट ऑफ थिन एयर अरे ये कहां से आ गया ही जस्ट केम आउट ऑफ थिन एयर मतलब पता नहीं कहाँ से अपियर हो गया इसके बारे में अभी तक तो, तो था ही नहीं है ठीक है तो आउट ऑफ द थिन एयर मतलब अचानक प्रकट हो जाना अचानक आ जाना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तुम इस दुनिया के तो नहीं लगते इतने अच्छे कैसे हो यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यानी तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तुम विशेष हो शुरू शुरू में आपको आपके बैटर ऐसे लगते हैं ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेष स्पेशल यूनिक और बाद में उनकी जो यूनिकनेस है वो आपको खराब लगने लगती है उसे बोला जाता है ठीक है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और ज्यादा और ज्यादा एग है ना प्रोसेस डालते हो, डालते हो. और अच्छा बनाने के लिए उसको और अच्छा, और अच्छा और अच्छा बनाने के लिए ओवर एग से वो पुडिंग खराब हो गया यानी किसी चीज को स्पॉइल कर देना बाय ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव कुछ ज्यादा ही नो you know, सही करने के लिए सुधारने के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट कर दिया और वो चीज क्या हो गया खराब हो गया ठीक है? आउट ऑफ वर्ल्ड जो होते हैं शुरू में वो बाद में एलियन लगते हैं exactly. एकदम सही समझ गए जहां मैंने तीर एकदम निशाने पे गया जो मैंने बात सोची वो तुमने कह डाली ठीक है बिल्कुल ओवर हेड एंड ईयर्स ओवर हेड एंड ईयर्स क्या होता है अरे अभी आ है अभी आया था कंप्लीटली पूरी तरीके से बार बार आ रहा है चलो 88 हो गए लास्ट ट्वेल्व लास्ट वेल लाइक वाइक सब करते रहना सभी को ओवर माई डेड बॉडी अगर तुम्हें ये काम करना है तुम्हें, तुम्हें होकर गुजरना पड़ेगा ये डायलॉग है बहुत सारी मूवीज का क्यों बोला जाता है विरोध जताने के लिए तुम जो करने जा रहे उसका मैं बहुत ज्यादा विरोध करने वाली हूँ। तो उस बहुत ज्यादा विरोध को इस तरीके से कहा जाता है यूज टू एम्फोसाइज दैट वन कंप्लीटली अपोज सम पूरी तरीके से मैं विरोध कर रही हूँ उसी को बोला जाता है ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है pale into significance अरे सॉरी 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 pale into insignificance मतलब अभी कैसा पड़ गया पीला पड़ गया अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई इंपॉर्टेंट्स नहीं है अब इसका ठीक है अगले वाला palm off palm off कर देना मतलब क्या डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू रिसीव चीट करने के लिए palm off कर देना चीट करने के लिए हाँ. 90s की मूवीज का डायलॉग है बिल्कुल बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है नेक्स्ट हाँ बोल सकते हैं प्लीज सबमिट द एनुअल डेटा बिल्कुल क्योंकि आगे तो अब तो डेटा वो काम कर रहा है ना ऑब्जेक्ट का कम कर रहा है सब सबमिट करना सबमिट करना सबमिट करना है क्या एनुअल डेटा ठीक है नेक्स्ट क्या है पेंडोराज बॉक्स पेंडोरा बॉक्स क्या होता है पेंडोरा कि जो पेंडोरा जो होती है ना उसके पास पेंडोरा मतलब बहुत सारी परेशानियां ठीक है तो मेरी लाइफ पेंडोराज बॉक्स है एक निकालोगे दूसरे एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरा शुरू हो जाता है ठीक है तो दूसरा खत्म नहीं तीसरा शुरू तीसरा खत्म नहीं चौथा शुरू तो पेंडोराज बॉक्स फुल ऑफ ट्रबल्स ठीक है अगले वाला आप कितने हो गए नाइन्टी टू लास्ट एट के लिए आप तैयार हो जाइए ये रहा नाइनटी थ्री नाइनटी थ्री क्या कह रहा है पेपर ओवर द क्रैक्स पेपर ओवर द क्रैक्स मतलब क्या हो गया भाई देखिए ये मेरे घर की दीवार है हालांकि छोटी है पर आपको समझ में आ जाएगी ये इस पर क्रैक आ रहा है मेरे घर में आने वाले थे गेस्ट मैंने यहाँ से एक कर्टन लगाया और यहाँ लगा दिया अब आपको क्या हो रहा है अब आपको ये ये दिखाई नहीं दे रहा क्रैक दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने क्रैक को छुपा दिया तो प्रॉब्लम को छुपा देना प्रॉब्लम को छुपा देना टू तो हाइट प्रॉब्लम यस पेंडोरस बॉक्स यानी आफत की पुड़िया एग्जैक्टली ठीक है नेक्स्ट पार्ट एंड पार्सल क्या होता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है

हैट दोनों को ध्यान से देख लेना पास द हैट का मतलब क्या होता है हैट में आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो आपने हैट में अपना पैसा डाला अगले को दे दिया नेक्स्ट ने चंदा डाला नेक्स्ट ने चंदा डाला ऐसे चलता रहता है लेकिन पास द बक क्या होता है पास द बक होता है भाई ये काम मुझसे नहीं होगा यू शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो आप राहुल को दे दो राहुल बेहतर करेगा उसे बोला जाता है पास द बक शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे रेफ्यूज हाँ मेरे से तो नहीं होगा दे दो किसी और को उसको दे दो उसको दे दो तो रिफ्यूज द िटी ठीक है उसे बोला जाता है शिफ्टिटी ठीक है अगले वाला pay lip service. Lip service मतलब क्या होता है भाई अच्छा धीरे धीरे पढ़ाई है क्यों ये बेटा हम देखो लिखा हुआ है सामने और मैं इसको देर देर तक पढ़ूंगी तो आपको लगेगा डर लग रहा है हम तो खुद ही पढ़ लेंगे है ना तो मैं आपको स... पढ़ा रही हेलीकॉप्टर शेड उस, शॉर्ट उसका स्टाइल है यार उसका स्टाइल है और मैं पार्थियन ला, लास्ट में कुछ ऐसा बोल देना कि हमेशा याद रखेगा भाई तुमसे अच्छा कौन है मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ तुम ये तुम वे और जैसे ही तुम गए कौन तुम मैं तो तुम्हें जानती लिप सर्विस मतलब क्या होना है कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे रिस्पेक्ट करू ये होता है लिप सर्विस करना रिगार्ड करना सामने अब आ गए हैं हमारे आखिरी है ना अब 800 तक ही हम लोग खत्म करेंगे इसको हालांकि सिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्या है 799 799 क्या है पे ऑन द नेल पे ऑन द नेल मतलब नेल दिखाते ही पे कर देना तुरंत से पेमेंट कर देना ठीक है नेक्स्ट क्या है हे लिब सर्विस हो गया ये वाला पास है सॉरी पीस ना पॉड हो गया ना एक ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना एक ही मटर के दाने हैं हम क्वाइट सिमिलर वी आर पेडल टू द मेटल लिखा हुआ है पेडल टू द मेटल का मतलब क्या होता है टू ड्राइव वेरी फास्ट बहुत ही तेज ड्राइव करना उसे बोला जाता है पेडल टू द मेटल ठीक है नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है पिक टू पीसेस पिक टू पीसेस का मतलब क्या होता है बहुत ध्यान से देखना डिटेल में एनालाइज करना पिकिंग होल इन फाइंडिंग फॉल्ट विद Somebody

देखो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है सीधे जाके पीडीएफ ले लेना मिल जाएगा आप लोगों को ऐप में से है ना और तीसरी बात हो गई चौथी बात कमेंट जरूर करना क्योंकि आपका कमेंट जो है ना वो मुझे मोटिवेट करता है आने वाले को मोटिवेट करता है और मैं क्योंकि आपके लिए काम करती हूँ मोटिवेट करोगे उतने मैं आपके सारे ऑर्डर्स पूरे करूंगी आप लोग कहते हैं मैम ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए वन वर्ड नहीं हुआ है अभी आपको फिनेस करवाना है इंप्रूवमेंट करवाना है ये तो सारे चीजों को करवाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा तो जल्दी से जिस जिसने कोई बात नहीं रिपीट कर लेना वीडियो को कोई दिक्कत नहीं है एक से 500 तक पिछले वाले वीडियो में था 500 से 800 तक आज के वीडियो में इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ओवर करें फिर से मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें कल संडे है रिविजन जरूर करें कुछ ना कुछ वीडियो मेरे बहुत सारे चैनल में बहुत सारे वीडियोज है देखन, देखन, देखना आप लोग तो जितने वीडियोज आप देखोगे उतना अपने आप को नरिश करोगे होन करोगे एनरिच करोगे वो की एक अच्छी क्लास के साथ मंडे को सुबह सुबह नौ साढ़े नौ बजे फिर से मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू सो मच